ऑडिट देयर क्लोज बाई क्लोज डिस्कशन ऑन फॉर्म 10B एंड 10BB ऑन दिस सब्जेक्ट आवर वेरी वेरी रेस्पेक्टेड ब्रदर सीए मुकेश कुमार सिंह जी विद अस। आई वेलकम यू सर। आई ऑल्सो वेलकम सुनील धमीजा जी, गगनदीप जी, एकता त्रिपाठी जी एंड हरपाल जी ऑन द पैनलिस्ट एज द पैनलिस्ट एंड अदर अटेंडी ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्टडी सर्कल। एज यू नो मुकेश जी इज नॉट ए न्यू बट स्टिल माई ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस हिम वेरी वेरी ब्रीफली। मुकेश जी इज ए दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन बीकॉम ऑनर्स। ही हैज कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स ऑन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन एंड सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एनपीओ फ्रॉम आईसीआई। ही हैज बीन कोऑप्टेड मेंबर ऑफ पब्लिक रिलेशन कमेटी ऑफ आईसीआई, स्पेशल इन्वाइटी ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड स्पेशल इन्वाइटी ऑफ जीएसटी ग्रुप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी। He is an acclaimed motivational speaker and has been the visiting faculty of ICA and ICSI in GMCS and OROP respectively. He addressed many seminars, public webinars and workshops organized by NIRC, branches of different regional council of ICI, various study circle and professional bodies. He has vast experience in internal audit of various industries. He is a leading advisor throughout the country on NGO, NPO matters, income tax litigation, corporate social responsibility, FCRA compliances, central state government schemes, FPO and agriculture credit facility and subsidy scheme. This is the brief profile of our today's speaker, Mukesh Bhai. I welcome you once again and over to you. Thank you so much. Mukesh Bhai, दो जगह से लॉगिन कर रखा है क्या? आपकी आवाज गूंज रही है. नहीं नहीं मेरे एक ही जगह से. अच्छा, एक ही जगह से आवाज रिपीट हो रही है फिर. एक मिनट, तो सेटिंग तो नहीं गड़बड़ है? हाँ, आवाज रिपीट हो रही है. किस जगह से सर? कहीं और तो नहीं है? चले चलो करो सर, चलो शुरू. थैंक यू सो मच राजेश सर एंड उषा रोड सीपी स्टडी सर्कल टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑन एक्सप्रेस माई नॉलेज ऑन ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड डिस्कशन ऑन फॉर्म 10B एंड 10BB एंड अदर डेवलपमेंट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. आज का टॉपिक है जो ऑडिट पे डिस्कस करेंगे जैसा सर ने बोला है, और साथ में लास्ट में अगर टाइम बचा तो सीएसआर में जो क्वेरीज होंगे आपके बेसिक डिस्कस करने के बाद क्वेरीज भी ले लेंगे. तो आप लोगों से अर्ज है कि कोई भी क्वेरी हो किसी भी टाइप का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और टैक्सेशन से रिलेटेड तो आप हैंड रेज करेंगे और जब आपको लगे तब क्वेरी कर सकते हैं. एक बार शेयर कर लेता हूं अपना. शेयर हो रहा है हमारा पीपीटी सर? यस सर, यस सर, बिल्कुल शेयर हो रहा है. मैं चाहूंगा कि जो ऑडिट का जो विषय है आज का उसको स्टार्ट करने से पहले जो फाइनेंस एक्ट 2024 में कुछ नए डेवलपमेंट्स आए हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में तो उसे डिस्कस कर लें सर, आपका अगर इजाजत हो. यस सर, यस सर, भाई साहब बिल्कुल, प्लीज कैरी ऑन. तो ज्यादा नहीं, 3-4 न्यू डेवलपमेंट्स आए हैं फाइनेंस एक्ट 2024 में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके फिर हम लोग ऑडिट की तरफ बढ़ते हैं. तो ये जो पहला डेवलपमेंट है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12A-80G. ये क्या है कि 2020 में जो एक न्यू डेवलपमेंट आया था 2020 फाइनेंस एक्ट 2020 में, तो उन्होंने बोला था कि जितने भी पुराने ट्रस्ट हैं एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं 12A और 80G में रजिस्टर्ड वो एक बार री रजिस्टर करा लें क्योंकि उनको डिजिटल फॉर्म में डेटा मेंटेन करना था. उसके लिए उन्होंने फॉर्म 10A नोटिफाई किया था. 10A दो पर्पस के लिए थे, एक तो जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे उनके लिए
दूसरे में जो ट्रस्ट पहली बार एप्लीकेशन मूव करेंगे, तो उन्होंने बोला था कि अगर आप पहली बार एप्लीकेशन मूव करते हैं तो हम आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे। तो ये दो पर्पस थे, ये 12वें रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए भी थे, एटीजी के लिए भी थे और 1023C वालों के लिए भी थे, ये दोनों पर। तो 2020 में कोविड आए तो 2 से 3 बार इन्होंने खुद ही डेट को एक्सटेंड किया इसके एप्लीकेबिलिटी को। उसके बाद फाइनली इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को बोला कि आप तो इसको अप्लाई करो, और फॉर्म 10 में बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट का डिमांड किया और बोला कि हमें आपको नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। बहुत सारे जो एनजीओ थे उन्होंने किए, कुछ छूट गए, 2 से 2 बार 3 बार 4 बार इन्होंने फिर से सर्कुलर के थ्रू इसको डेट को एक्सटेंड किया, विंडो को ओपन किया और अपॉर्चुनिटी दी। फाइनल अपॉर्चुनिटी इन्होंने फरवरी 2024 में दी एक बार, और 30 जून तक इन्होंने बोला जिनके अभी भी छूट रहे हैं वो इसको अप्लाई करें। 30 जून 2024 के बाद भी ये पता चला कि बहुत सारे उसके बाद भी रह गए हैं। एक दूसरा जो पर्पस था प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में जो के लिए जो लॉ है वो ये था कि इसके मैक्सिमम वैलिडिटी 3 साल होगी या फिर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी विच एवर इज अर्लियर, 3 साल या फिर 6 महीना अगर आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जो पहले हो। तो इसमें बड़े कन्फ्यूजन थे लोगों में, प्रोफेशनल्स में और जो जो एसएससी थे उनमें, कि ये 3 साल की बात कर रहे हैं, विद इन 6 मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी की बात किसी ने सोचा ही नहीं। तो ये इसी इंतजार में रह गए, चलो 3 साल के बाद कर लेंगे, बट लॉ कुछ और ही था। बड़ा कंफ्यूजन था, कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी होने के बाद भी 6 महीने के अंदर अंदर अप्लाई नहीं किया तो उनके एज पर लॉ तो उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए थे प्रोविजनल। तो ये दो सिचुएशन थे जिसके कारण ये अभी फाइनली 2024 फाइनेंस एक्ट 2024 में उन्होंने बोल दिया कि अब कोई नए सर्कुलर दे करके डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो अब क्या करें, इन्होंने सीआईटी को पावर दे दिया, उन्होंने बोला कि जिनका आज भी छूट गया है या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जिनके पास थे और 6 महीने निकल गए एक्टिविटी के बाद और वो करा नहीं पाए, तो वो क्या करें, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करें, रिक्वेस्ट फाइल करें सीआईटी के पास, वो अगर जेन्युइन उनको लगेगा तो वो कॉन्डोन कर देंगे, फिर आप मूव कर सकते हैं आगे रेगुलर रजिस्ट्रेशन की तरफ, जिनका छूट गया वो भी कर सकते हैं। तो ये एक अमेंडमेंट था, नया डेवलपमेंट था कि अब कोई सर्कुलर दे करके आपको नहीं करना पड़ेगा एक्सटेंड डेट। तो अब आप क्या करें, अभी भी जिनके छूट रहे हैं या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया था, 6 महीने निकल गए, कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सीआईटी के पास फाइल करके अब मूव ऑन कर सकते हैं। ये था दूसरा जो अब डेवलपमेंट था, रैशनलाइजेशन ऑफ टाइमलीनेस ऑफ फॉर फंड और इंस्टीट्यूशन टू फाइल सीकिंग अप्रूवल अंडर सेक्शन 80D। इसमें क्या हुआ, 2023 में एक प्रोविजन, 2023 के फाइनेंस एक्ट में एक प्रोविजन लेकर के आए थे कि जो जिन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया है वो पहले, क्या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बारे में जो लॉ ये लेके आए थे 2020 के एक्ट में, फाइनेंस एक्ट में, वो ये था कि अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन मूव करते हैं 12A और 80G का तो आपको प्रोविजनल ही दिया जाएगा। तो उसमें दो सिचुएशन थे, एक तो कि नए एनजीओ हैं अगर आपके पास तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, अभी अभी बनाया और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपने कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी नहीं करी है तो आपको प्रोविजनल दी जाएगी। दूसरा सिचुएशन ये था कि आप 5-10 साल पहले एनजीओ आपने बनाए थे, एक्टिविटी भी कर रहे थे और अब फर्स्ट टाइम आप उसको एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं, तो वैसे केस में आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुके थे उसके बाद आप मूव कर रहे हैं, तो लॉ ये था कि आपको प्रोविजनल ही दिया जाएगा फर्स्ट टाइम क्योंकि आप कर रहे हैं। तो ये बड़ा हार्डशिप था कि जिनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गए हैं, अच्छे से चल रहा है उनका एनजीओ, उनको भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दो। तो ये ज्यादा ठीक नहीं था क्योंकि उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने के 6 महीने के अंदर अंदर तुरंत रेगुलर रजिस्ट्रेशन फिर से मूव करना होता था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, जिन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है वो कंपल्सरीली आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन ही ले सकते हैं। वो 1 अक्टूबर 2023 से ये प्रोविजन उन्होंने इफेक्टिव किया,
2023 के बाद फॉर्म 10AB जिसमें रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसमें नया सेक्शन कोड जोड़ा, 4A और 14A, 4A फॉर 12A और 14A फॉर 80G, और उन्होंने बोला कि आप इस सेक्शन कोड को सेलेक्ट करो और रेगुलर रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट लो अगर आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। लेकिन वो जो प्रोविजन आया था उसमें एक चीज उन्होंने और जोड़ दिया था कि अगर आपने कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी कर दी है प्लस आपने पास्ट में कभी भी सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं लिया है, कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी कर दी है प्लस सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं लिया है तभी आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन मूव करेंगे। कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी हो गई है तो रेगुलर ही करेंगे मूव, प्लस इन्होंने ये जोड़ दिया था कि 11 का बेनिफिट नहीं लिया है पास्ट में, तो इससे बड़ा खराब सिचुएशन पैदा हो गया कि मान लो कि एक एनजीओ जो आज के डेट में 12A ले लिया, 2 साल पहले मान लो 12A ले लिया और 80G उन्होंने सोचा कि बाद में ले लेंगे, कमिशमेंट ऑफ एक्टिविटी हो गई, 12A ले लिया, 80G उन्होंने सोचा बाद में ले लेंगे, एलिजिबल थे लेकिन लिया नहीं, आज के डेट में 80G लेना चाहें तो उनको वो प्रोविजन मना कर रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कमिशमेंट ऑफ एक्टिविटी हो गई प्लस सेक्शन 11 का बेनिफिट आपने कभी नहीं लिया हो, 12A 2 साल पहले अगर ले लिया था उन्होंने तो 11 का बेनिफिट तो ले लिया था, तो 80G मिलना उनको मुश्किल हो गया उस लॉ की वजह से। तो उसको ठीक करने के लिए इन्होंने अब ये अमेंडमेंट लाया है और इन्होंने बोला कि अब कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी हो गई है और पहले आप 11 का बेनिफिट लिए या नहीं लिए आप 80G मूव कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन को इन्होंने ठीक कर दिया। तीसरा जो इनका जो डेवलपमेंट था वो ये था कि रैशनलाइजेशन ऑफ टाइमलाइन फॉर डिस्पोजिंग एप्लीकेशन मेड बाय ट्रस्ट फॉर फंड सीकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 12A और 80G। पहले प्रोविजन ये था कि जिस महीने में आप 12A और 80G का एप्लीकेशन मूव करते हैं उस मंथ के एंड से विद इन 6 मंथ CIT को उस आपके उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना होता था। अब चूंकि इन्होंने ये पिछले 2-3 सालों में बहुत सारा चेंज किया है और नए नए 12A 80G के रिगार्डिंग प्रोविजन लेके आए हैं तो उनके पास भीड़ ज्यादा बढ़ गई है, मतलब किसी को रिन्यूअल कराना है, किसी को नया एप्लीकेशन फाइल करना है, किसी को पुराने को री रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उनके पास ज्यादा काम का प्रेशर है। तो ये डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने बोला कि पहले जो प्रोविजन था फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ विद इन 6 मंथ आपको डिस्पोज ऑफ करना है, तो उस एंड ऑफ द मंथ को इन्होंने एंड ऑफ द क्वार्टर कर दिया, मतलब जिस मंथ में आप एप्लीकेशन आपने मूव किया है उसके क्वार्टर के एंड होने के बाद 6 महीने के अंदर CIT को आपके एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना होगा, चाहे अप्रूव करें चाहे रिजेक्ट करें, तो उन्होंने टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। चौथा जो अभी आया नहीं, 1 अक्टूबर 2024 से ये इफेक्टिव होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में बोला था कि ये जो 1023C वाला जो रिजीम है और 12A वाला जो रिजीम है इन दोनों को मर्ज कर देंगे, क्योंकि 1023C में जो इंस्टीट्यूशन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन आते हैं और ये दोनों टाइप के जो एक्टिविटी हैं वो सेक्शन 11 के भी पार्ट हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 15 में जो चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन किया है ये दोनों वहां भी हैं, तो सेक्शन 11 या 1023C दोनों में सेम सेम प्रोविजन ये ऑलरेडी पिछले सालों में ये लेकर के आ गए थे, तो इन्होंने बोला कि अब 1023C की वैसे कोई खास जरूरत है नहीं क्योंकि प्रोविजन दोनों के सेम हैं, तो उन्होंने मर्ज करने की बात करी, तो आगे से आगे आने वाले दिनों में 1023C के जो प्रोविजन हैं वो आपके खत्म होने वाले हैं और सेक्शन 11 के ही प्रोविजन चलेंगे। तो ये थे डेवलपमेंट इस बार के फाइनेंस एक्ट 2024 के। अब हम लोग चलते हैं ऑडिट की तरफ। पिछले कई सालों में ये देखा गया कि 1023C वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं और 12A वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं इन दोनों के सारे प्रोविजन को इन्होंने एट पार करने की कोशिश करी। मुकेश जी, एक क्वेरी मैं यहाँ रेज कर सकता हूँ जी, प्लीज। यस प्लीज। जी सर, धन्यवाद। सर, ऐसा है कि अभी भी बहुत ऐसे एनजीओज हैं, मंदिर ले लीजिए, गुरुद्वारे ले लीजिए पर्टिकुलरली, कि जो काफी समय से चल रहे हैं, उनके फंड्स भी हैं, बैंक अकाउंट में पैसे भी पड़े हैं,
ना तो उन्होंने 12A में रजिस्ट्रेशन कराई है, ना हाँ ही उन्होंने कभी रिटर्न ऑफ इनकम भरी है। अगर कोई रिफंड बनता है, टीडीएस कटा है, तो वो ऐसे ही पड़े हैं। सर, ऐसे केसेस में अब ये जो प्रोविजन रिसेंटली इन्होंने की है कि कंडोनेशन ऑफ डिले होगी, तो उसका ये मतलब लिया जाना चाहिए कि अगर मैं आज ऐसे किसी एनजीओ की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूं, तो उसके लिए मुझे कंडोनेशन भी देनी पड़ेगी, या वो बिल्कुल नया माना जाएगा? एकदम वो नया ही माना जाएगा सर। कंडोनेशन उसमें उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। अगर आपने 12A में रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल बेसिस पे ले लिया नहीं लिया है ना, सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं बोल कुछ। रहा हूँ कंडोनेशन कहाँ अप्लीकेबल है वो बता रहा हूँ। जी सर, जी सर, अगर आपका पुराना रजिस्टर्ड ट्रस्ट था 2020 से पहले, पुराने एक्ट में 12A में रजिस्टर्ड था, उसको री रजिस्ट्रेशन कराना था, आज तक आपने नहीं कराया, एक केस ही हो गया। दूसरा, आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया, एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, 6 महीने निकल गए, उसके बाद भी आपने ये रेगुलर रजिस्ट्रेशन मूव नहीं किया। जी तीसरा, अब इन्होंने बोला था कि ये जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल के होंगे, 5 5 साल में रिन्यू कराने होंगे। जी 5वां साल का ड्यू डेट आ गया, 5 साल, उसके बाद भी आपने रिन्यू नहीं कराया। तो ये तीन जो केस हैं, तो इसमें आप कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीआईटी को, और इसको फिर से रिन्यू के लिए जा सकते हैं। जी ये जो मंदिर या ऐसे कोई ट्रस्ट है जिन्होंने आज तक 12A/ATG मूव किया ही नहीं, तो वो एज एओपी ट्रीट हो रहे होंगे, और उनकी लाइबिलिटी है ITR 5 भरने की। ITR 5 भरेंगे और उसी के थ्रू उनको रिफंड भी मिल जाएगा, जो भी एलिजिबल रिफंड होंगे। तो वो तो उनके लिए कंडोनेशन का कोई मतलब नहीं है। वो जब तक 12A में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो एज एओपी ट्रीट होंगे और ITR 5 भरते रहेंगे। ठीक है सर, लेकिन ठीक है, अगर ठीक है। रिटर्न भी नहीं भरी आज तक, रिटर्न नहीं और भरी तो वो गलती कर अगर रहे हैं, रिटर्न तो भरना मैंडेटरी है सर। सर, लेकिन आज अगर वो नया अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो पुराने साल है उनके कॉन्सिक्वेंसेस 148 वगैरह होने के चांसेस है फिर न्यू अप्लाई तो? करने जब जाएंगे जी तो देखिए, यहाँ पुराने साल के 148 ये सब ओपन करेंगे ऐसा तो कुछ नहीं है, जी लेकिन वो 3 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगेंगे, पीछे के 3 साल के ITR मांगेंगे, और ITR आपने भरे नहीं तो दे नहीं पाएंगे वहाँ। जी फिर वो परेशान करेंगे कि आपको अप्लीकेशन, ये अप्रूवल हम कैसे दे दें। सर, 1421 से पहले जो पुराना लॉ था उसमें ये था कि अगर आप जब भी अप्लाई कर देते हैं, तो कोई भी 148 की प्रोविजन या वो नहीं होती थी, तो वो बैक डेट में एज इट इज माना जाता था। आज जो प्रोविजंस हैं उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो इसका मतलब पुराने सालों के लिए आप असेसमेंट की 12A/ATG जो अप्लाई करते हैं वो सीआईटी को अप्लाई करते हैं, जी और सीआईटी मुझे नहीं लगता कि वहां से डेटा लेकर के कि आपने किया नहीं था, उसके बेस पे केस खुलेंगे पुराने जी सालों के 148 में। जी इस बेस पे नहीं खुलेंगे, बाद में कभी ऐसा करने लग गए उनको देखिए, सीबीडीटी जैसा फ्लैग करेंगे वैसा वो काम करेंगे। तो जी अभी तक तो ऐसा कोई मतलब उनका वो है नहीं जी एक्शन। जी यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो ऑडिट की बात कर रहे थे, तो पिछले साल इन्होंने क्या किया, एक तो पिछले 2 3 सालों में 1023C और 12A के जितने भी प्रोविजन थे सब एक्ट पार कर दिए, सब सेम कर दिए थे। इनके ऑडिट के जो फॉर्म थे वो दोनों अलग अलग थे। जो 12A सेक्शन 11 रिजीम वाले जो इंस्टीट्यूशन थे उनके ऑडिट फॉर्म 10B हुआ करता था, और जो 1023C वाले रिजीम वाले जो इंस्टीट्यूशन थे उनके ऑडिट फॉर्म 10BB थे। पिछले साल इन्होंने क्या किया, दोनों फॉर्म को भी मर्ज कर दिया, 10B और 10BB को मर्ज कर दिया, और अभी भी 10B और 10BB एग्जिस्ट करता है, बट इन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया, उन्होंने बोला उस हिसाब से तय किए जाएंगे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे 12A वाली हो या 1023C वाली हो, अगर उनका थ्रेशोल्ड लिमिट इस क्राइटेरिया में फॉल करता है तो आप अकॉर्डिंगली ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म भरेंगे। तो उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टोटल इनकम विदाउट गिविंग अफेक्ट
अंडर सेक्शन 11-12 एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। उन्होंने बोला कि 12वे में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है तो टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में आपका 5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आपको फॉर्म 10 भरने पड़ेंगे। इसी तरह उन्होंने 1023C वाले इंस्टीट्यूशन को बोल दिया कि अगर टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपके एक्सीड कर जाते हैं 5 करोड़ से तो आपको फॉर्म 10 भरना पड़ेगा, और एक्सीड नहीं करते हैं तो फॉर्म 10BB भरना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने दो और क्राइटेरिया दिया। उन्होंने बोला कि आपका टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है। अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर लिया तो आपको फॉर्म 10B ही भरना पड़ेगा। एक और क्राइटेरिया इन्होंने जोड़ा कि अप्लाइड एनी पार्ट ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया। उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने आउटसाइड इंडिया कोई भी पैसा खर्च किया तो आपको फॉर्म 10B भरना पड़ेगा, चाहे आपका टोटल इनकम 5 करोड़ हो या ना। तो ये क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर दिया कि आप 1023C वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं या 12A वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, कोई भी हैं, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 10B भरिए, 5 करोड़ से कम है तो 10BB भरिए। इसके अलावा 5 करोड़ की क्राइटेरिया को साइड में रख के आप ये देखिए कि कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया कि नहीं, या फिर आउटसाइड इंडिया कोई खर्च किया कि नहीं। अगर ये सिचुएशन है तो फॉर्म 10B भरिए। ये किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। अभिलाष जी रेज कर रहे हैं हैंड को। सर मेरी नजर में ना आप कंटिन्यूस रखो, नहीं तो यस सर, ये यस सर, क्वेश्चन आंसर में ना गड़बड़ हो समझ जाएगा। गए। बहुत सारे हाँ क्वेश्चन आंसर ना आपके उसमें डेलीब्रेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। यस सर, यस सर। अब देखिए, अब ये फॉर्म का सिलेक्शन आपको करने में पिछले साल बड़ी दिक्कतें आई थी लोगों को। तो जब आप ये देखिए फॉर्म, ये जो फॉर्म 10B है ये प्रोफेशनल के लॉगिन से भरे जाएंगे। जैसे हम लोग फॉर्म 3CD में असाइन करते हैं ऑडिटर को, वैसे ही आपको असाइन करना पड़ेगा, फिर प्रोफेशनल अपने लॉगिन से इसको फाइल करेंगे। तो जब असाइन करते समय SSC जब चूज करेगा फॉर्म को तो वहां पे दो सिचुएशन आते हैं। एक ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B आपको दो बार दिखेंगे, तो एक तो दिखेगा अप टू असेसमेंट ईयर 22-23 और एक दिखेगा अब असेसमेंट ईयर 2023-24 ऑनवर्ड्स। तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर 2023-24 ऑनवर्ड्स जो फॉर्म 10B होगा। 10B का दो फॉर्म दिखेंगे, उसी तरह 10BB का दो फॉर्म दिखेंगे। तो आपको अगर अप्लीकेबल जो भी फॉर्म आपके पास है उसमें 2023-24 ऑनवर्ड्स वाले आपको सेलेक्ट करने हैं। पिछले बार लोगों ने गलत सेलेक्ट करके पुराने फॉर्म भर दिए थे। अब देखिए फॉर्म भरने की अब तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा फॉर्म हमें भरना है, अब उसमें भरना क्या है ये एक बार देखते हैं। तो उसमें पेन ऑफ द SSC, नेम, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रजिस्टर्ड ऑफिस, अदर एड्रेस, टाइप ऑफ ऑडिटी द और इंस्ट्रूमेंट से एस्टेब्लिश है ऑडिटी या नहीं है, ये आपको भरना है। तो इसमें देखिए पॉइंट नंबर 6 पे अदर एड्रेस मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये अदर एड्रेस क्यों हाईलाइट किया हुआ है, इसमें इन्होंने ये पूछा है कि अगर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई और भी एड्रेस जिस पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट ऑफिस हो, चाहे ब्रांच ऑफिस हो, या फिर कोई ऐसा ऑफिस है जहां आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो आपको इस अदर एड्रेस का डिटेल आपको देना पड़ेगा। और अगर नहीं देंगे तो क्या हो, और अगर नहीं देंगे, यहाँ पे स्पेशली अदर एड्रेस का डिटेल ये मांग रहे हैं, और इस अदर एड्रेस के संबंध में जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर कोई अदर एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा आप इस्टेब्लिश करते हैं तो उस एड्रेस के बारे में इंटीमेशन आपको आपके AO को देना होगा विद इन 30 डेज आपको AO को इंटीमेट करना पड़ेगा। और अगर आपने AO को इंटीमेट नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, अगर स्क्रूटनी में केसेज आ जाते हैं तो वहां पे AO ये बोल सकता है कि ये जो अदर एड्रेस आपने दिखाया है और इससे रिलेटेड जो आपने एक्सपेंस दिखाए हुए हैं, जैसे रेंट एक्सपेंस दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस कीपिंग, बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं उस अदर ऑफिस के, उसको वो मना कर सकता है।
कि आपने तो इंटीमेट किया ही नहीं, फिर ये बोगस खर्चे आपने डाले हुए, तो आपको अदर एड्रेस आपने एस्टेब्लिश किया है, तो विद इन 30 डेज जिस दिन आपने ये तय किया था, बोर्ड रिजोल्यूशन में पास हुआ था कि यहाँ पे एक नए ऑफिस बनाए जाएंगे, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको एओ को बाय हैंड आपको इंटीमेट करना है एक लेटर लिख के। अब आप लोग बोलेंगे कि इंटीमेट तो किया ही नहीं आज तक, आज तक नहीं किया तो अब जरूर कर दे, एक दो दिन में, एक सप्ताह के अंदर अंदर एओ को इंटीमेट कर दे एक लेटर लिख के कि हमारा रजिस्टर ऑफिस के अलावा भी ये एक ऑफिस चल रहा है। उसी तरह टाइप ऑफ ऑडिटी में ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है या अदर्स हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। और द ऑडिटी एस्टेब्लिश अंडर एन इंस्ट्रूमेंट और नॉट, अगर ट्रस्ट है आप तो ट्रस्ट डीड तो आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए, सोसाइटी है तो एमओए आपके होने चाहिए, वो होते ही हैं, और कंपनी है तो अगेन एमओए और एओए उसके बारे में बात करें, तो आपको यहाँ यस ही लिखना है। मुकेश जी, ये अदर एड्रेसेस जो है, इसमें अगर आप अपनी एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चलाते हैं, कोई हॉस्पिटल है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो दो तीन स्कूल चला रहे हैं, जो दो तीन डिस्पेंसरीज चला रहे हैं, तो उन सभी के भी एड्रेसेस इसके अंदर 30 दिन के अंदर इंटीमेट। जो जो आपके लिए कोई ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस है जो परमानेंट है जी उसका डिटेल डालना है सर। जी ऐसा है कि मैं किसी गांव में सोसाइटी जो है किसी गांव में जाती है और वहां बच्चों को टीचर्स को भेज के पढ़ाती है जी पेड़ के नीचे, तो वो कोई अदर एड्रेस नहीं हुआ, या कहीं जी पे हेल्थ कैंप लगा दिया तो वो कोई एड्रेस नहीं हुआ। जो जी परमानेंट एड्रेस जो आपका है जिसमें आप परमानेंट रेगुलर बेसिस पे खर्चे करते हैं उसकी बात करें। करेक्ट, थैंक यू सर। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ये मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डिटेल, डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो डिटेल एज पर फॉर्म नंबर 10AC। फॉर्म नंबर 10AC क्या होता है? फॉर्म 10AC होता है जब आप रजिस्ट्रेशन मूव करते हैं फॉर्म 10 में, फॉर्म नंबर 10A में। फॉर्म नंबर 10A में रजिस्ट्रेशन, दो टाइप के रजिस्ट्रेशन आप मूव करते हैं, एक तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और एक जो पुराने आप रजिस्टर्ड थे पुराने एक्ट में 12A में रजिस्टर्ड थे और उसको आपने रिन्यू कराया 2020 के प्रोविजन के बाद, उसके जो आपके सर्टिफिकेट आए होंगे वो फॉर्म नंबर 10AC में आए होंगे, उसी के डिटेल ये यहाँ पे मांग रहे हैं। सेक्शन अंडर विच रजिस्ट्रेशन अप्रूव, किस सेक्शन में आप अप्रूव थे, 12A में, 80G में, 1023C में, जो भी है आपको लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्रूव, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नोटिफिकेशन नंबर जो भी है वो आपको लिखना है यहाँ। अथॉरिटी ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन, ये CIT ही ग्रांट करते हैं तो CIT का डिटेल यहाँ पे डालना है। डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज अफेक्टिव, जिस डेट को रजिस्ट्रेशन अफेक्टिव हुआ है वो यहाँ पे डालने हैं। डिटेल मैनेजमेंट के संबंध में डिटेल आपको भरने हैं, डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन ऑफ द ऑडिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन और रिलेशन क्या है, ट्रस्ट में उनका क्या पोजीशन है उसके बारे में आपको चूज करना है। ड्रॉप डाउन आएगा तो ऑथर हैं, फाउंडर हैं, सेटलर हैं, ट्रस्टी हैं, या सोसाइटी के केस में मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं या मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी हैं, तो ये सब भरने हैं। अगर ट्रस्ट का कोई मेंबर कंपनी है तो उस कंपनी में वैसे डायरेक्टर का डिटेल यहाँ पे भरना है जिनके पास उस कंपनी में 5% से ज़्यादा का शेयर होल्डिंग है। उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आप चूज करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, पैन और आधार चूज करने का, तो पैन नंबर अगर चूज करते हैं तो पैन नंबर नीचे 5 नंबर में कोड पैन नंबर डालना होगा, आधार चूज करते हैं तो आधार नंबर डालना। अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो अदर आइडेंटिफिकेशन में जाकर के आपको चूज करना है, उसमें बहुत सारे DL और राशन कार्ड और वोटर ID, पासपोर्ट, ये सब डिटेल का ऑप्शन आता है, तो आप कोई भी चूज करके वहाँ पे डाल सकते हैं। वेदर देयर इज एनी चेंज इन रिलेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ ऑडिट, अगर जो गवर्निंग बॉडी है उसमें कोई चेंज आया है प्रीवियस ईयर में तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालना है। शेड्यूल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ी सी समस्या क्या आने वाली है, अगर आप रिलीजियस ट्रस्ट हैं तो ऑब्जेक्टिव में वो पूछ रहे हैं
कि आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट में आप काम करते हैं। देखिए, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्म 10B है, इसको कौन फाइल कर रहा होता है? ऑडिटर, यानी हम लोग प्रोफेशनल। हमें बड़े ध्यान से चीजों को देख करके यहाँ पे इसको फाइल करना है। रिलीजियस ट्रस्ट है तो आप रिलीजियस चूज करेंगे। अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट हैं तो आप इन सब में से जिस ऑब्जेक्ट पे वो ट्रस्ट काम कर रही है वो चूज करना है। आप चाहें तो सबको टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको बड़ा ध्यान रखना है कि वो किस ऑब्जेक्ट पे वो ट्रस्ट काम कर रही है। रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मोनूमेंट, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, आप सब चूज करेंगे। लेकिन चूज करने से पहले आप क्या करेंगे, आप इनके ट्रस्ट डीड को देखेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक समस्या ये आ जाएगी कि मान लो जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया था, 12A का रजिस्ट्रेशन मूव किया था, तो फॉर्म 10A या 10AB रेगुलर रजिस्ट्रेशन जो भी केस हो, तो वहां जब उसको फाइल कर रहे थे तो ये वहां भी सेम चीजें वो चूज करने के लिए उन्होंने बोला कि आप कौन कौन से एक्टिविटी में, पर्पस में रजिस्टर होना चाहते हैं। तो वहां पे आपने चूज किया था ABC, मान लो रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल, योगा, ABCD आपने चूज किया। और यहाँ जब ऑडिटर, जब ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, वो जब उस समय वो इसको चूज करना चाहेंगे, तो उनको वो किस चीज में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी या ट्रस्ट, उनको वो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कहीं ये लिखा ही नहीं है। सर्टिफिकेट जो आता है 12A का, उसमें भी ये नहीं लिखा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट में ये रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने, ऑडिटर ने क्या किया कि ट्रस्ट डीड निकाला और जल्दी से देखा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट मेंशन है भैया ट्रस्ट डीड में। तो उनको ट्रस्ट डीड देखने से लगा कि रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन और मेडिकल, तीन ऑब्जेक्ट में ये रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर हो सकते थे। लेकिन जब अप्लीकेशन फाइल किया गया था तो वहां चार ऑब्जेक्ट डाले गए थे, ABCD, और यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट वो डालने की सोच रहे हैं। तो जैसे ही आप तीन ऑब्जेक्ट डालेंगे और उनके रिकॉर्ड में चार ऑब्जेक्ट है, तो वो सिस्टम मान के बैठ जाएगा कि आपने अपने ऑब्जेक्ट में कोई एडिशन, मॉडिफिकेशन या डिलीशन किया है। जैसे ही आपने अपने ऑब्जेक्ट में कोई एडिशन, मॉडिफिकेशन या डिलीशन किया है, तो उसके लिए एक अलग प्रोविजन है लॉ, वो ये कहता है कि आप देखिए पॉइंट नंबर 12 पे, यहीं पे देखेंगे, इफ मॉडिफिकेशन इन ट्रस्ट डीड ड्यूरिंग द ईयर, डेट ऑफ सच मॉडिफिकेशन, एडॉप्शन, फर्निश डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कोई एडिशन, मॉडिफिकेशन या डिलीशन किया है ऑब्जेक्ट में, तो विद इन 30 डेज ऑफ सच एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, आपको फॉर्म 10AB में दोबारा रजिस्ट्रेशन फाइल करना पड़ेगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए मूव करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। और आपने विद इन 30 डेज मूव नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए, एडिशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन के केस में, तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल माने जाएंगे। तो आपको यहाँ बड़े ध्यान से ऑब्जेक्टिव को चूज करना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट में आपके ये जो क्लाइंट ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड है। तो ये बात आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट टाइम में आप क्लाइंट के इनकम टैक्स पोर्टल पे क्लाइंट का लॉगिन करेंगे और वहां पे फॉर्म 10A या 10AB जो भी आपने फाइल किया हुआ था उसको दोबारा डाउनलोड करेंगे और वहां पर चेक करेंगे कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट को चूज किया था। वहां पर जो ऑब्जेक्ट चूज किया वही ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है, और आपने एक भी ऊपर नीचे कर दी तो ये प्रोविजन आपके ऊपर लागू हो सकता है कि आपने कोई मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन किया है तो आपने मॉडिफिकेशन अगर आपने कर दिया, तो विद इन 30 डेज आपने एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन फाइल किया कि नहीं किया, ये देखना पड़ेगा। तो उसी का डिटेल ये ऑडिटर से पूछ रहे हैं कि कोई मॉडिफिकेशन हुआ है क्या, अगर हुआ तो उसका डेट ऑफ सच मॉडिफिकेशन डालिए, फर्निश डिटेल ऑफ एप्लीकेशन डालिए, कौन सा फॉर्म भरे थे, कौन से सेक्शन में भरे थे, वो सब डालिए, और एप्लीकेशन विद इन 30 डेज हुआ था कि नहीं ये बताइए, और अगर हुआ तो प्रोवाइड डिटेल, मतलब डेट ऑफ एप्लीकेशन बताइए, उसका स्टेटस आज के डेट में क्या है ये बताइए, डेट ऑफ अप्रूवल, अगर वो अप्रूव हो गया है तो उसका डेट ऑफ अप्रूवल बताइए, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है URN वो बताइए। तो ये आपको भरने पड़ेंगे। अब देखिए, कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी पे बात चल रही थी, तो ये है ग्रांटिंग कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, ये शेड्यूल है, इसको आपको भरना पड़ेगा।
granted provisional registration approval whether activities have been commenced during the previous year or not. अगर आपने आपको provisional registration मिला हुआ है तो क्या during the previous year commencement of activity start हो गई है, और अगर हो गई है तो date of commencement of activity बताइए. ये ऑडिटर से पूछा जा रहा है कि आप सर्टिफाई करो एक तरह से इस चीज को कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ने आपके क्लाइंट ने लिया हुआ था तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है. अगर हुई है तो उसकी कमेंसमेंट की डेट बता दीजिए. तो आपको बड़े ही ध्यान से कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी की डेट बतानी है. यहाँ पे आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को मतलब नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करना होगा, और कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी क्या थी ये दिखानी पड़ेगी. और कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी आपने दिखा दी तो नीचे वो पूछ रहे हैं कि वो विद इन सिक्स मंथ ये अप्लाई हुआ रेगुलर रजिस्ट्रेशन की नहीं, उसके डिटेल बताइए. प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, उसमें डेट ऑफ एप्लीकेशन बताइए, स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन बताइए कि आज के डेट में क्या स्टेटस है, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसका क्या डेट है, और अगर कैंसिलेशन हो गया है कैंसिल कर दिया है सीआईटी ने तो वो भी बताइए, और अगर अप्रूव हो गया तो यूआरएन बताइए. और अगर आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे बता दिया जो विद इन सिक्स मंथ से ज्यादा था, सिक्स मंथ के बाद था, तो माना जाएगा कि उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था. तो ये डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी को आपको जानना पड़ेगा कि क्या था सोसाइटी में या ट्रस्ट में जो आपके क्लाइंट ट्रस्ट थे. तो ये बड़े ध्यान से, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जिस दिन डोनेशन रिसीव हो गए थे, फर्स्ट डोनेशन, मान लो आज हमारा ट्रस्ट बना, बैंक अकाउंट ओपन हुआ और डोनेशन रिसीव हुए, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी क्या वो डेट ऑफ डोनेशन फर्स्ट डोनेशन था, या फिर जिस दिन हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पहला किया वो था डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, या फिर जिस दिन हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर खर्च करने शुरू कर दिया वो था कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी. तो ये आपको बड़े ध्यान से देख करके डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ये तय करना पड़ेगा कि वो 6 महीने के अंदर मूव हुआ था न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर 6 महीने के बाद हुआ था. इसके रिगार्डिंग वही कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का इस प्रोविजन 2000 के बजट में आ गया है कि अगर 6 महीना से ज्यादा क्रॉस कर गया है तो अभी ऑप्शन है एसएससी के पास कि वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करे और फिर रेगुलर रजिस्ट्रेशन मूव करे. मुकेश जी, डेट ऑफ एक्टिविटी जो अभी आपने तीन बताए हैं कि जिस दिन बैंक अकाउंट खुला या डोनेशन रिसीट हुई या कैपिटल एक्सपेंडिचर किया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन ऑब्जेक्टिव किया, तो कौन सी डेट लेनी चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स? मेरे हिसाब से जिस दिन उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑब्जेक्ट के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए. करेक्ट, डेट ऑफ फर्स्ट डोनेशन नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होनी चाहिए. अगर हमने फर्स्ट डोनेशन ले ली तो फिर तो हमारा तो नुकसान हो सकता है जी, है ना. तो ये हमें बड़े ही ध्यान से देख चीजों को देख करके और हमें यहाँ पे लिखना है. अब देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट, ये देखिए नया नया ये आया है, पहले कहीं भी एक्ट में ये प्रोविजन नहीं था कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उनको कौन से बुक्स को रखने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है नहीं करना है, कहीं भी लॉ में लिखा हुआ नहीं था, है ना. एक जगह उन्होंने लॉ में लिखा हुआ था सेक्शन 12(1)(b) में कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने 12A का रजिस्ट्रेशन ले रखा है अगर उनका विदाउट गिविंग अफेक्ट अंडर सेक्शन 11(12) उनका टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो उनको ऑडिट कराना पड़ेगा. और ऑडिट तो तभी होगा जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे. लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट क्या क्या मेंटेन करना है इसके बारे में लॉ एकदम साइलेंट था. अब ये रूल 17AA के थ्रू इन्होंने इसको मैंडेटरी किया है और इन्होंने बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ये बुक्स ऑफ अकाउंट इनको ट्रस्ट को रखने पड़ेंगे. तो यहीं पे ऑडिटर से पूछा जा रहा है वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन मेंटेन अंडर रूल 17AA और नॉट, यस नो आपको बताना है. अगर यस
तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन से एप्लीकेबल हैं उनके ऊपर, और कौन कौन उन्होंने मेंटेन किया है कि नहीं, ये आपको चूज करना है। मेंटेन बाय द ऑडिटिंग कंप्यूटर सिस्टम एट रजिस्टर्ड ऑफिस, तो कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन किया है, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन किया है, या कहीं और किया है। उसके बाद पूछ रहे हैं डिटेल ऑफ एड्रेस, डेट ऑफ डिसीजन एंड डेट ऑफ इंटीमेशन टू एओ, इफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एट एनी प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मुकेश जी आपकी आवाज चली गई। मुकेश जी, मुकेश जी, हाँ हैंड रेस कर दीजिए जी, और यही हो सकता है राजेश जी। मैं तो रोने में कॉल कर देता हूँ उनको। हाँ, फोन करो फोन कर रहा हूँ। सर, वो 1 सेकंड के लिए लाइट गई थी ओके 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 तो ओके, नेट चला गया था, फिर आ गया। ठीक है ठीक 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 तो मैं फिर से एक बार शेयर कर लेता। इम्पोर्टेंट थिंग, जब ऑडिट की बात आई तो लाइट चली गई। ठीक सर हाँ यस सर, तो यहाँ पे जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एओ को इंटीमेट करना है वो विद इन 7 डेज करना है इंटीमेट, जिस दिन आपने तय किया कि इस लोकेशन पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगे, उसी दिन से 7 दिन के अंदर एओ को आपको लेटर लिख के इंटीमेट करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे यहाँ पे मेंटेन होंगे। अगर आप कोई ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं, प्रोजेक्ट ऑफिस खोल रहे हैं, तो विद इन 30 डेज आपको इंटीमेट करना है, बट बुक्स के बारे में आपको विद इन 7 डेज ही इंटीमेट करना है। नहीं, बट इज उसके इट एप्लीकेबल टू दी ओल्ड एसेसिस आल्सो, जो पुराने यस, ट्रस्ट में हैं जो पुराने ट्रस्ट हैं उनको भी, उनको तो नहीं है ये लागू? जो जो 12A में रजिस्टर्ड हैं इंस्टीट्यूशन, वो सबको ये अप्लीकेबल है ये लॉ। आप बोलेंगे कि पुराने ट्रस्ट ने तो इंटीमेट किया ही नहीं, तो अब जरूर इंटीमेट कर दें, क्योंकि अभी जिस दिन इनको एक्शन लेने के लिए बोला जाएगा इस चीज पे सीबीडीटी के द्वारा, उस दिन एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो अच्छा है। काइंडली क्लैरिफाई, जो पुराने ट्रस्ट 10 15 20 साल से चल रहे हैं, 25 साल से चल रहे हैं, एंड देर रेगुलरली दे हैव गॉट 12A एंड 18A एवरीथिंग, देयर इज नो डिफॉल्ट, क्या उनके लिए भी ये उनको फिर दोबारा से? उनके लिए भी, अगर वो मान लो 15 साल पहले ही ब्रांच ऑफिस खोला था और बुक्स ऑफ अकाउंट वहीं पे मेंटेन कर रहे हैं, और आज तक उन्होंने इंटीमेट नहीं किया एओ को, तो सजेस्टेबल ये है कि वो अब जाके एओ को एक बार इंटीमेट करके उनसे रिसीविंग अपने फाइल में लगा के रख लें। मुकेश जी, आई नीड अ स्लाइट क्लैरिफिकेशन। पुराना ट्रस्ट है, उसका कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। हाँ और वो काम कर रहे हैं रेगुलरली, चैरिटेबल हाँ ठीक काम कर रहे हैं, और उनकी कोई परेशानी नहीं है। क्या है। उनको भी ये चीज फिर एप्लीकेबल है? उनका एक ही जगह है, उनका हॉस्पिटल या रेगुलर अरे एक ही जगह है, वो? तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही उनकी एक्टिविटी चल रही है तो उनको इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनके पास है आई डेटा। वांट टू नो कि उनका तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं आया नहीं, उनका नहीं है सर, उनका नहीं है। अगर उनके लिए? वो थैंक सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही एक्टिविटी चला रहे हैं तो यू। उनको इंटीमेट करने की कोई जरूरत नहीं। करेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई और ऑफिस एस्टेब्लिश कर देते हैं तब इंटीमेट करने की ओनली जरूरत। देन इट कम्स इनटू ऑपरेशन। यस यस यस। नेक्स्ट चलते हैं। एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इस वाले शेड्यूल में आपको वेदर एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स ऑफ बिजनेस। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग लॉ की तरफ जाएं, तो यहाँ पे लॉ ये है
कि सेक्शन टू क्लॉज 15 में सेवन लिम्स उन्होंने बताए हैं चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन किया है। उसमें उन्होंने बताया कि रिलीफ ऑफ पुअर, मेडिकल, एजुकेशन, योगा, इन्वायरमेंट, मोनूमेंट्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो इन्होंने सेवन लिम्स बताए हैं, उसमें से जो पहले के जो छह लिम्स हैं वो मेन ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं, और ये जो सातवां है एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इसको रेसिडुअल लिम्स बोलते हैं। और रेसिडुअल लिम्स के जो टैक्सेशन है और मेन लिम्स के जो टैक्सेशन, इन दोनों में बड़ा अंतर है। ये जो सातवां लिम्स है एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इसमें उन्होंने प्रोविजो अटैच करके ये प्रोविजन दिया है कि अगर आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाले लिम्स में फॉल करते हैं और आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस है, और उस एक्टिविटी से आप कोई फीस, सेस या कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं, तो हम आपके उस एक्टिविटी से होने वाले इनकम को बिजनेस इनकम मान लेंगे और आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। बट सिचुएशन ये है कि मेन ऑब्जेक्ट हमारा चैरिटेबल है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और इस तरह का ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस वाली इंसिडेंटल एक्टिविटी हो रही है, तो लॉ ने यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप 20% ऑफ द टोटल रिसीट, जो आपके संस्था का जो टोटल रिसीट है उसके 20% तक अगर आप इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस वाले एक्टिविटी से अर्न करते हैं, तब तो पूरा का पूरा आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। बट जैसे ही आप 20% से ज्यादा ऐसे एक्टिविटी से रिसीव करते हैं, तो पूरा ट्रस्ट एज ए होल, आपके पूरे इंस्टीट्यूशन का उस साल के लिए, जिस साल ऐसा हो जाता है 20% से एक्सीड कर जाता है, तो उस साल के लिए पूरा का पूरा एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब पूरे इनकम पे, ग्रॉस रिसीट पे टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी, क्या प्रोविजन है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोविजन यही है कि 20% से एक्सीड करते ही आप कोई बिजनेस एक्टिविटी साथ में चल रहा है, तो 20% से एक्सीड करते ही आपकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी और पूरा का पूरा जो ट्रस्ट है उसके उस साल के एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया जाए। तो वही यहाँ पे ऑडिटर से वो पूछ रहे हैं कि वेदर एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस। ऑडिटर साहब बताइए कि यस या नो, अगर यस है तो परसेंटेज ऑफ रिसीट क्या है उस बिजनेस, उस एक्टिविटी से। इफ यस, एग्रीगेट एनुअल रिसीट क्या है पूरे एक्टिविटी का पूरे साल में, और उसका नेम ऑफ द प्रोजेक्ट बताइए और अमाउंट ऑफ एनुअल रिसीट बताइए पूरे ट्रस्ट का, और वो 20% से एक्सीड हो रहा है कि नहीं ये आप हमें बता के दे दीजिए। अगर हो रहा है तो पूरा का पूरा एग्जम्पशन आपका विड्रॉ कर लिए जाए। हाँ, बिजनेस अंडरटेकिंग, अगर ट्रस्ट के पास कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है, ट्रस्ट के पास देखिए बिजनेस अंडरटेकिंग हो सकता है, एक कोई अंडरटेकिंग है उसको ट्रस्ट चला सकती है साथ में, पर बशर्ते यह है कि उस अंडरटेकिंग से होने वाले इनकम जो है वो ट्रस्ट के पर्पस के लिए ही यूज किया जा रहा हो। तो ये पूछा जा रहा है कि वेदर द ऑडिटी हैज एनी बिजनेस अंडरटेकिंग, यस और नो, डिटेल ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, अगर है तो नेचर बताइए, बिजनेस कोड क्या है वो बताइए, वेदर द सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट विद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB इफ अप्लीकेबल हैव बीन मेंटेन और नॉट। अगर कोई बिजनेस अंडरटेकिंग ट्रस्ट के पास है और उस ट्रस्ट के उस अंडरटेकिंग से जो आपका जो टर्नओवर है वो 44AB के क्राइटेरिया में फॉल करता है, तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB भी फाइल करना पड़ेगा अलग से। ऐसे केस में दो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगा, एक 3CD में और एक फॉर्म 10B या 10BB, जो भी केस है आपको ये बताना है। उसी तरह बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 11(4)(a), उन्होंने बोला कि एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी अगर आपके पास था तो उसका अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना है और अलग से ऑडिट कराना है, वो ठीक है। ये वो केस है जहां पे इंसिडेंटल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मतलब आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, मान लो एक स्कूल चला रहे हैं, और स्कूल में चलाने में आजकल आप स्कूल में देखते होंगे वो बुक्स भी बेचते हैं, यूनिफॉर्म भी बेचते हैं बच्चों के लिए, बस की सेवाएं भी देते हैं लाने ले जाने के लिए,
तो ये कुछ ऐसा एक्टिविटी है जहां पे वो सेल परचेज हो रही है, बुक्स बेचना, यूनिफॉर्म बेचना, बस की सेवाएं देना, तो ये बिजनेस टाइप की एक्टिविटी हो रही होती है स्कूल में। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि अगर अब स्कूल स्कूल क्यों चल रहा है, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए एक्टिविटी चल रहा है, तो ये बिजनेस इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने बोला कि अगर आप इस तरह का कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं तो इससे होने वाले सभी इनकम को हम एग्जम्पशन दे देंगे और टैक्स फ्री कर देंगे, बशर्ते आपको ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि वेदर एडिटी हैज एनी इनकम बीइंग प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी बिजनेस, इफ यस नेचर ऑफ बिजनेस बताइए, बिजनेस कोड बताइए, और वेदर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट विद टैक्स ऑडिट कोड मेंटेन और नॉट। तो यहां भी अगर स्कूल जो एजुकेशन का काम कर रही है और वो अब बुक्स ऑफ अकाउंट उनको मेंटेन करना पड़ेगा, और वो कोई बिजनेस कर रही है इस तरह का बुक्स सेल करने का, यूनिफॉर्म सेल करने का, और उस एक्टिविटी से उनके इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गया और वो 44AB के क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, तो उनको टैक्स ऑडिट भी अलग से कराना हो। अब उसके होने वाले जो सरप्लस है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, वो पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बट उनको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जाना पड़ेगा, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। और साथ में ये पूछ रहे हैं वेदर द बिजनेस इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और नॉट, वो इंसिडेंटल है या नहीं है, या वो सेपरेट एक्टिविटी है कोई। अगर इंसिडेंटल है तब तो ठीक है, उसके सारे इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। अब वो पूछ रहे हैं टीडीए डिटेल ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑडिटी, अगर ऑडिटर ऑडिटी ने एसएससी ने कोई ऐसा इनकम रिसीव किया है जिसपे 194C, 194J, H और Q इन 4 सेक्शन में टीडीएस कटा हो, तो उसको सेपरेटली उनको बोला है कि आप इन्फॉर्म करें। इन 4 सेक्शन में टीडीएस कटा है किसी भी रिसीट पे, तो सेपरेटली आपके पूरे डिटेल को यहाँ पे डालना है, नेम एंड टेन ऑफ द डिडक्टर, अमाउंट ऑन विच टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, अमाउंट ऑफ टीडीएस किस सेक्शन में कटा है, और कैटेगरी ऑफ इनकम किस कैटेगरी का इनकम था, ये सब आपको अलग से यहाँ पे बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट मुकेश जी, सॉरी यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ जी, बताइए सर, इन केस ऑफ रनिंग ए गौशाला, जो कि हमारे देश में हर शहर में कोई ना कोई संस्था जो है ये गौशाला चला रहे हैं, लेकिन गौशाला चलाने के लिए ये चारा एक तो देना पड़ता है जी, चारा हो गया, गुड़ हो गया, या कुछ दवाइयां हो गई, और उसके साथ साथ जो गोबर निकलता है वो भी बेचना पड़ता है, तो सर ये इंसिडेंटल एक्टिविटीज में आएंगे इसकी जो रिसीट्स है। देखिए सर, जो एओ है वो तो बोलेगा कि क्योंकि गौशाला की एक्टिविटी अगर आप देखें तो वो सीधा सीधा जो 7 लिम्स है ना उसके ऊपर के 6 लिम्स में कहीं नहीं आते जी, ना, तो रिलीफ ऑफ पुअर है, ना एजुकेशन है, ना योगा है, ना मेडिकल है जी। तो एओ तो हमेशा बोलता है कि ये तो जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, यस सर, और जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आते ही आप इसके गोबर बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, पनीर बना के बेच रहे हैं, घी बना के बेच रहे हैं, तो बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे दिख रही है जी, है ना। तो इसके 20% वाला क्राइटेरिया को काउंट करेंगे हम, और 20% से ज्यादा ही जैसे ही ऊपर होगा तो हम आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। एओ तो ये पकड़ के बैठ जाता है, बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने इस पे जो जजमेंट दिया है, कई बार उन्होंने गौशाला को रिलीफ ऑफ पुअर का पार्ट माना है, ओके, लाइव स्टॉक को भी उन्होंने पुअर बताया है है ना? तो हमारा तो कंटेंशन ये होना चाहिए कि ये रिलीफ ऑफ पुअर का काम कर रहे हैं गौशाला, जी 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 जी, और कई बार कोर्ट ने इसको मेडिकल का पार्ट बनाया है जी, उन्होंने बोला है कि जो कुछ ऐसी संस्थाएं गौशाला थी जो सड़क पे जो गाय घूमती है उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो उनको रेस्क्यू करके वो उनके इलाज करते थे,
तो उन्होंने मेडिकल का पार्ट बताया इसको। अब सर। जैसे ही इसको रिलीफ ऑफ पुअर बना आप साबित कर देते हैं या मेडिकल में लेके चले जाते हैं, तो ये मेन ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। और मेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाते ही जो इंसिडेंटल एक्टिविटी से जो इनकम हो रहा है वो पूरा का पूरा एग्जाम्पल एग्जम्प्ट हो जा रहा है। और सर जब ये मैं जीपीयू जी में आएगा, जनरल पब्लिक यूटिलिटी में, वहां पे 20% का क्राइटेरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे लड़ाई है, जी 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 आपको साबित करना है कि ये रिलीफ ऑफ पुअर है। वो सर बोलेगा कि मैं नहीं, ये जीपीयू है। लुधियाना से हूं, तो यस यहां सर। पर जेन्युइनली एक गौशाला है जी, जो बिल्कुल आपने बाद में बताया ना, जो सड़क पर कहीं भी कोई बीमार हो जाती है, कोई जख्मी हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तो वो लाके मेंबर्स खुद और डॉक्टर्स साथ में मिलके उनका इलाज करते हैं। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है तो उनको जहां से उठाते हैं वहीं छोड़ के आते हैं। इस पे सर केस लॉ है, मुझे याद नहीं है, आप सर्च करोगे मिल जी सर, जाएगा। जी सर, बिल्कुल ठीक तो है। ये आप ऐसे केस को ना मेडिकल में क्या पार्ट बना सकते हैं, और वहां पे पूरा का पूरा जो दूध से होने वाली इनकम है, पनीर, गोबर, ये सब के सब एग्जाम्पल एक्चुअली ना तो दूध से कोई इनकम है, कोई और नहीं जाएंगे। है, सिर्फ क्या होता है कि जो डोनर आता है ना जी, वो पर्ची कटाता है और चारा, एक कटोरी, एक वो तगाड़ी, दो तगाड़ी या एक बोरी वो डाल के जाते हैं या तूड़ी देते हैं, तो यही फंड्स आते हैं जी मोस्टली जो हाँ, तो फिर गौशाला से। यहाँ पे तो कोई बिजनेस टाइप की एक्टिविटी है ही नहीं, तो फिर कोई दिक्कत तो है ही नहीं, चाहे आप जी जीपीयू में रखें या मेडिकल में रखें। जी जी जीपीयू में तो वहां उस गौशाला को दिक्कत है जहां पे गायें रखी जाती है, और उससे होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, मिलने वाले प्रोडक्ट, उसको बेचे जाते हैं और उससे पैसे अर्न किए जाते हैं। अदरवाइज जो चारा बेचने या तूड़ी बेचने या गुड़ वगैरह दवाइयां देने की है उसको हम सर फिर। ये चारा हम बेच नहीं रहे, वो तो ले रहे हैं ना, डोनर से ले रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, डोनर से ले रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब इसको उसी बे चारा को हम बेचने लग जाएं, हाँ। तब तब ना इन्वॉल्व हो जाएगा हमारा। अगर इसको डोनेशन में लेते हैं तो कैश में आती है जी, ये दिक्कत है, नहीं क्योंकि नहीं कैश। अगर अगर किसी ने एक बोरी चारा दे दिया जी है ना, अब देखिए यहाँ पे दो 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 चीजें सिचुएशन आ जाएगी, खड़ा हो जाएगी कि जी एक तो वो जो चारा है डोनेशन इन काइंड जी है ना, वो डोनेशन वो पैसे में तो है, मोनेटरी डोनेशन तो है नहीं, तो जी डोनेशन इन काइंड है, तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे और बुक्स में कैसे डालेंगे, जी एक सिचुएशन ये आ जाता है। दूसरा, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। तो इसका एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल है कि चारा दे दिया तो चारा गाय को खिला दीजिए, इसका एप्लीकेशन हो गया है ना। अब दूसरा, इसको बुक्स में कैसे डालेंगे। जी तो अगर डोनर, जैसे एक डोनर है, वो मार्केट से चारा खरीद के लाया डोनेशन देने के लिए है ना, तो वो साथ में चारे के साथ साथ वो मार्केट से वो जो पर्ची ले आता है साथ में, वो भी आपको दे देता है, तो उस वैल्यू को बुक्स में ले लो। चारा तो और जो जय चारे की तो गोदाम गौशाला में ही रखा हुआ है, बाहर से नहीं आता। दिस इज द करेक्ट पोजीशन जी। क्या क्या मतलब, जो गौशाला रन कर रहे हैं वो चारा खरीदते हैं, तूड़ी खरीदते हैं, कई डोनेट भी करते हैं, तूड़ी की पूरी ट्रॉली दे दी, लेकिन मेजॉरिटी खरीद के स्टोर करनी पड़ती है क्योंकि सीजनल आइटम है। तो नहीं, रॉ इनफैक्ट जो कहीं ना है कहीं तो खरीद के वो आपके पास आ रहा है ना कोई दे रहा है, चाहे वो रॉ चारा के रूप में दे, उसको प्रोसेस करके आप खिलाते हो। वो इंस्टांसेस कम है जी, मैक्सिमम यही है कि हम किसानों से, फार्मर से चारा खरीदते हैं या तूड़ी खरीदते हैं, तो और जो डोनर आता है वो 100 की पर्ची, 50 की पर्ची, 200 की पर्ची कटवाता है और उतनी क्वांटिटी की जो है चारा या तूड़ी या गुड़ वो लेके वो डाल देते हैं जी गौओं को। है ना, वो समझ गया, आप ही के यहाँ से लेते हैं, आप ही को वो दे देते जी जी बिल्कुल बिल्कुल हैं ना। तो वैसे केस में जो अकाउंटिंग आप करें, वो तो डोनर जो पर्ची कटवा रहे हैं उसको डोनेशन में ले लें है वो फिर सर ना। 100 रुपये कैश आएगी तो दिक्कत आ जाएगी क्योंकि हाँ, ये दिक्कत आ जाएगी। वो 115 B इजी लग जाएगा जी। हाँ, वो एक वो दिक्कत आ जाएगी सर। वो डोनेशन हाँ अगर वो आप दिखाओगे जो कैश में आएंगी, हाँ वो 1 लाख रुपए तक तो नॉर्मल है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख हाँ से जैसे ही ओवर हो जाएगा, 5% तक वो। ये हाँ, या वैसे 5% बीच एक्चुअली में जाए। गौशाला मेंटेन जो करना है इसको रिलीजियसली ले सकते जी हम।
नहीं नहीं एटीजी रिलीजियस नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिलीजियस नहीं हूँ। ये तो रिलीफ ऑफ पुअर है या फिर जीपीयू हाँ जी है ना, ये रिलीजियस कहीं से भी नहीं है सर, ना। ये क्योंकि लुधियाना थ्रू आउट इंडिया काफी गौशाला है, और इधर और जिस पंजाब दिन में इसको तो आपने जी इसको रिलीजियस लेना शुरू कर देंगे ना, आपको आपके जो एटीजी है वो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं जी, वो तो हम तैयार हैं एटीजी छोड़ने को, हाँ तो फिर तो आपकी मर्जी, आप इसको रिलीजियस मान लो। रिलीजियस मान लो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, ओके। है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, अब इनकम की बात कर लेते हैं। हमने क्या क्या डिटेल और इन्फॉर्मेशन उनको देनी थी दे दिया, अब हमारी इनकम की बात करते हैं। तो इनकम में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के जो शेड्यूल हैं उसमें सबसे पहले वेदर द फॉर्म 10BD हैज बिन फाइल्ड और नॉट। फॉर्म 10BD क्यों फाइल करना होता है? डोनर से स्टेटमेंट फाइल करना होता है 31 मई तक। 31 मई तक आपने फाइल नहीं किया डोनर से स्टेटमेंट तो आपको 200 रुपया पर डे के हिसाब से आपको लेट फीस भरने पड़ेंगे। तो वही इन्होंने बोला है कि अगर आपने 10BD फाइल किया है तो बता दीजिए यस और नो। इफ यस, टोटल सम ऑफ डोनेशन रिपोर्टेड इन द फॉर्म, आपने कितना डोनेशन रिपोर्ट किया था फॉर्म में वो बता दीजिए। उसके बाद डोनेशन नॉट रिपोर्टेड इन द फॉर्म 10BD, आपने फॉर्म 10BD में कितना डोनेशन रिपोर्ट नहीं किया था, उस जो रिपोर्ट नहीं किया था उसमें से इस नेचर के डोनेशन थे क्या? डोनेशन रिसीव्ड फॉर द इंस्टीट्यूशन अप्रूव अंडर सेक्शन 80G 2B। ये रिलीजियस प्लेस होते हैं कुछ इंडिया में हैं जिनको 80G 2B में नोटिफाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उनके पास 80G है। अभी अभी जस्ट मैंने क्या बोला था कि अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं तो आपको 80G नहीं मिलेगा है ना सर। लेकिन आप बोलेंगे कि कुछ तो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जैसे वैष्णो देवी या शिरडी साईं या बालाजी, ये जो मंदिर हैं अभी हाल फिलहाल में राम मंदिर अयोध्या, तो इनको 80G मिला हुआ है। तो आप बोलेंगे इनको 80G कैसे मिल गया, रिलीजियस प्लेस को नहीं मिलता है। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन हैं इनको गवर्नमेंट ने 80G 2B में नोटिफाई किया है, और जिस 80G की हम लोग बात करते हैं वो 80G 5 है। अगर नॉर्मल ट्रस्ट बनाते हैं उसका 80G लेते हैं तो वह अंडर सेक्शन 80G 5 में आता है, और 80G 2B वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन होते हैं इसलिए उनके पास 80G होता है ना। नॉर्मल रिलीजियस ट्रस्ट को ये 80G नहीं देते हैं। तो वही बोलता है कि जो आपने रिपोर्ट नहीं किया था उसमें से 80G 2 वाले कोई 2B वाले अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, डोनेशन था तो बताएं, 80G 5 वाले डोनेशन है तो बताएं, और कोई ऐसा डोनेशन था जो कैश डोनेशन के रूप में था 2000 से ज्यादा था, या डोनेशन बाय अदर एनपीओ, कोई दूसरे एनपीओ ने आपको डोनेशन किया था, या कोई और दूसरा कोई रीजन है तो आप बताएं। नेक्स्ट, डोनेशन नॉट रिपोर्टेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे उस डोनर का इंफॉर्मेशन जिसका आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल है वो नॉर्मल डोनेशन है, जिस डोनर का आइडेंटिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है वो एनोनिमस डोनेशन है। और एनोनिमस डोनेशन के केस में अब नीचे लिखा हुआ है एनोनिमस डोनेशन अंडर सेक्शन 115 BBC, अमाउंट नॉट टैक्सेबल विद इन द लिमिट 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर। तो वो एनोनिमस डोनेशन का केस कोई है तो ऑडिटर से बोला जा रहा है कि आप उसके जो नॉट नॉट टैक्सेबल वाला जो पार्ट है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए। अमाउंट रिसीव्ड बाय रिलीजियस ट्रस्ट, अगर रिलीजियस ट्रस्ट अगर कोई डोनेशन रिसीव कर रही है उसके केस में 115 BBC लागू ही नहीं होता। तो कितना भी एनोनिमस डोनेशन जो जो मंदिर ट्रस्ट है वो कितना भी एनोनिमस डोनेशन रिसीव कर सकती है, उनको कोई दिक्कत नहीं। 80G उनको नहीं मिलता तो ये एक बेनिफिट उनको दिया हुआ है कि कितना भी एनोनिमस डोनेशन आप रिसीव कर लो आपको उसकी टैक्सेबिलिटी उसकी नहीं आएगी आपके ऊपर। There, the religious trust can accept any amount of cash. एनी अमाउंट ऑफ कैश, वो तो उनके जो वो दान पेटी होती है गुल्लक,
उसमें तो कैसे ही डालते हैं सब सर, वो तो लाखों करोड़ों में होता है कई बार। नहीं, डज इट नीड एनी सर्टिफिकेशन, कोई जरूरत है कोई कोई सर्टिफिकेशन जरूरत की? नहीं है सर, कोई जरूरत नहीं। हाँ बस सीधा ले लो किताब में भी आज इतना आ गया या महीने के बाद हाँ इतना, यस 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 यस, वो तो मैनेजमेंट के सामने वो ताला खुलता है उसमें कोई मंथली या ऑब्जेक्शन डेली बेसिस पे या डिपार्टमेंट? वीकली बेसिस पे, वो रिकॉर्ड जाता है, बस वो हो गया। यस सर। मुकेश हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ, बताएं। हेलो, सर आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर, दमिया साहब की आवाज नहीं आ रही, आप कंटिन्यू रखें सर। अच्छा ठीक है। अब आनी शुरू हुई है मुकेश हाँ ठीक है सर। जी, अब आवाज आ रही है, पहले बीच में बंद हो गई। सर हाँ, बताएं सर बोलो। सर, कुछ पूछना है या आगे जो बढ़ो? कैश डोनेशन है हाँ हेलो, बताइए सर, मैं सुन रहा हूँ। रिलीजियस ट्रस्ट में कैश डोनेशंस जो हैं हाँ उनका, उसके लिए कोई अलग से प्रावधान या कोई ऐसा प्रोसीजरल एस्पेक्ट तो नहीं है कोई? हाँ ये है सर। देखिए, हमारे यहाँ दो तरीके का 12A का सर्टिफिकेट आता है, 12A फॉर रिलीजियस ट्रस्ट और 12A फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर आपने 12A फॉर रिलीजियस ट्रस्ट लिया हुआ है तो आपको 80G नहीं मिलेगा, लेकिन 115BBC आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आपके पास जो भी डोनेशन आ रहे हैं उसमें डोनर्स की आइडेंटिटी नहीं भी है तब भी काम चलेगा, वहां पे कैश डोनेशन ले रहे हैं तब भी काम चलेगा, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम कैश डोनेशन ही आते हैं या डोनेशन इन काइंड आते हैं मंदिरों में, जो रिलीजियस ट्रस्ट होता है। तो उस पर 115BBC जो एनोनिमस डोनेशन का जो प्रावधान है वो लागू होता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर, आगे बढ़ो सर। प्लीज यस सर, तो आपको ये बताना है एनी अदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 10BD, तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। नेक्स्ट, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, उस टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में टोटल फॉरेन कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ द टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कितना था उसको आपको अलग से दिखाना है, और इसका एक शेड्यूल FC है, वहां भी जाके इसको फिल करना है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस, देखिए कॉर्पस डोनेशन क्या होता है, वैसा डोनेशन जहां पे डोनर्स ने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया हुआ है कि ये आपको, मैं आपको एज ए कॉर्पस दे रहा हूँ, पर्टिकुलर पर्पस के लिए ये डोनेशन दे रहा हूँ, तो ऐसे डोनेशन को लॉ ने क्या किया है, सेक्शन 11(1)(d) में एग्जेम्प्ट कर दिया है कि आपको इसको 85% के कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरा एग्जेम्प्ट किया है, इसको डोनर्स ने जैसा डायरेक्शन दिया है उस हिसाब से इसे आप खर्च कर लेने। एक तो ये हो गया वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस, कॉर्पस डोनेशन। दूसरा, आप देख रहे होंगे ए नंबर में कॉर्पस डोनेशन रिलीजियस प्लेस रिसीव्ड, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, रिलीजियस प्लेस को नोटिफाई किया गया है कुछ रिलीजियस प्लेस को 80G 2B में, वो ये यहाँ पे इनको डालने की क्या जरूरत पड़ी, और ये कॉर्पस डोनेशन का पार्ट कैसे है रिलीजियस प्लेस को जो डोनेशन आ रहे हैं, तो वो एक्चुअली अभी राम मंदिर के केस में ये प्रोविजन उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आया कि अयोध्या में राम मंदिर के केस में बहुत सारे डोनेशन आने लग गए, बहुत ज्यादा डोनेशन आए चारों तरफ से। अब इतने डोनेशन आ गए कि उसका 85% खर्च करना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो मुमकिन नहीं था उनके लिए, है ना। तो और वो सारे डोनेशन नॉर्मल डोनेशन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के रूप में आने लग गए, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ नहीं आए। तो उन्होंने ऐसे ये लॉ में ये प्रोविजन बनाया कि जो रिलीजियस प्लेस हैं, जिन जो 80G 2B में नोटिफाइड है, उनको ये ऑप्शन है तो अपने नॉर्मल डोनेशन को खुद ही कॉर्पस डोनेशन ट्रीट कर ले। उन्होंने रिलीजियस प्लेस को ये ऑप्शन दे दिया
क्यों ना वो कॉर्पस डोनेशन खुद ही ट्रीट कर ले अपने नॉर्मल डोनेशन। नॉर्मली क्या होता है कॉर्पस डोनेशन, वो होता है जहां डोनर्स ने स्पेसिफिकली आपको बोला है, डायरेक्शन दिया हुआ है, तो वो कॉर्पस डोनेशन। यहाँ पे उनको ऑप्शन दे दिया कि खुद ही कॉर्पस डोनेशन ट्रीट कर लें। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई केस है जहां पे खुद ही उन्होंने कॉर्पस डोनेशन ट्रीट कर लिया है नॉर्मल डोनेशन को, तो वो कॉर्पस डोनेशन बन जाता है और उसका डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। अब ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के अलावा जितने भी और इनकम हो सकते हैं एक ट्रस्ट के पास, उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट बोला जाता है। डोनेशन दो टाइप के हैं, वो इनकम दो टाइप के हैं, एक तो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट बाकी जितने भी इनकम है सब वो इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे ही आपने 12वें का रजिस्ट्रेशन लिया तो चैप्टर 4 के जो हेड ऑफ इनकम है, 5 हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल एंड अदर सोर्सेस, इस प्रोविजन से आप बाहर आ गए, आपका इनकम अलग तरीके से ट्रीट हो रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। तो अगर आपका कोई रेंटल इनकम भी आ रहा है, कोई इंटरेस्ट इनकम भी आ रहा है सोसाइटी में, कोई फीस आ रहा है एक्टिविटी के ऊपर, ये सारे के सारे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट ट्रीट किए जाते हैं। तो आपको ये देखना होगा इनकम अदर देन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट वो कितना है, डोनेशन के अलावा कितना और इनकम है वो यहाँ पे लिखिए। इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया विच इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 11(1)(c), ये क्या है? देखिए सेक्शन 11(1) का जो लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि 85% ऑफ द इनकम रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड बी अप्लाइड इन इंडिया। 85% ऑफ इनकम रिसीव्ड, जो प्रीवियस ईयर में आपने रिसीव किया उसका 85% अप्लाई करना होगा कहाँ, इंडिया के अंदर। यानी कि आपको इंडिया इंडिया में ही उस पैसे को खर्च करना है 85%, तब आपको 100% पे एग्जम्पशन मिल जाएगा। बट कुछ केस में उन्होंने अलाउ किया कि इंडिया से बाहर भी अप्लाई करेंगे तो उसका भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो कुछ केसेज उन्होंने बताए कि अगर कोई स्पोर्ट एक्टिविटी है, कोई ट्रेड दूसरे देश के साथ, कोई कल्चरल एक्टिविटी है या कोई ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटी है, वहां पे अगर कोई खर्च होता है तो उसको भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, बशर्ते कि वो CBDT से प्रायर अप्रूवल लिया हुआ हो। आप तो CBDT से प्रायर अप्रूवल लेकर के कुछ एक्टिविटी पर आप इंडिया से बाहर भी खर्च कर सकते हैं, है ना? तो इंडिया से बाहर जो पैसे खर्च करेंगे, आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि मान लो 100 रुपये का इनकम हुआ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हमने प्रायर अप्रूवल CBDT से लेकर के 5 रुपया इंडिया से बाहर खर्च किया, है ना, तो कितने बचे हमारे पास, 95 रुपये। अब ये बताएं कि वो 95 रुपये के ऊपर 85% खर्च करना है या पूरा 100 रुपये के ऊपर। तो आंसर इज 95 रुपीज जो इंडिया से बाहर खर्च करने के बाद बचे, जिसके लिए CBDT का अप्रूवल लिया गया था, तो उस 95 रुपीज का 85% इंडिया के अंदर आपने खर्च करना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपको सेक्शन 11 में एग्जम्पशन मिलेगा। तो इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया विच इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 11(1)(c), जहां पे CBDT का अप्रूवल लिया, इनकम रिक्वायर्ड टू बी, उसके बाद देखिए वो जैसे ही आप वो डालेंगे पॉइंट नंबर 29 में तो वो माइनस हो जाएगा, पॉइंट नंबर 30 में जो फिगर आएगा इनकम रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन इंडिया, इसका 85% आपको इंडिया में अप्लाई करना। तो देखिए इनकम की बात हो गई, अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। टोटल अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस, पहला तो आप कंट्रीब्यूशन और डोनेशन टू एनी अदर पर्सन, अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे देते हैं तो वो भी एक एप्लीकेशन माना गया है।
वो भी आपके एप्लीकेशन का पार्ट बन जाता है। बट इसके केस में जो डोनेशन टू अदर इंस्टीट्यूशन के केस में तीन चार प्रोविजन भी है साथ में अटैच, उसको भी ध्यान में रखना हो। पहला कि आप तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को कॉर्पस डोनेशन नहीं दे सकते। दूसरा, आप करेंट ईयर के इनकम से ही डोनेशन दे सकते हैं, किसी भी एक्युमुलेटेड फंड को डोनेट नहीं कर सकते। तीसरा, आप किसी रजिस्टर्ड एनजीओ जो 12 में रजिस्टर्ड एनजीओ है उसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी किसी व्यक्ति को डोनेशन नहीं दे सकते या किसी अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन नहीं दे सकते। चौथा, आप उसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे सकते हैं जो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले इंस्टीट्यूशन है। मान लो कि आपका इंस्टीट्यूशन 12A में रजिस्टर्ड है और स्कूल चलाती है, एजुकेशन के ऊपर काम करती है, आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देना चाह रहे हैं जो 12A में रजिस्टर्ड तो है बट वो स्कूल नहीं चलाती, वो मेडिकल हॉस्पिटल चलाती है, तो ऐसे केस में आप डोनेशन नहीं दे सकते दूसरे इंस्टीट्यूशन को। तो आपको सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है उन्हीं को डोनेशन दे सकते हैं। तीसरा, जो अभी रिसेंट इसमें एक अपडेशन आया है उसमें यह है कि आप जितना भी डोनेशन देंगे दूसरे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, उसका 85% का ही आपको एप्लीकेशन मिलेगा। मान लो आपने 100 रुपये डोनेशन कर दिए तो 85% का ही आपको एप्लीकेशन मिलेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये ध्यान में रखने वाली बात। नेक्स्ट, अप्लीकेशन ऑफ फंड, वो ऑब्जेक्ट वाइज आपको दिखाना है, आपने रिलीफ ऑफ पुअर पे कितना खर्च किया, एजुकेशन पे कितना खर्च किया, ये पूरा का पूरा आपको एक जगह लाना है फंड को एजुकेशन के ऊपर और वो आपको दिखाना है। तो आपके एक्टिव यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग ये बढ़ जाती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में से एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च हुआ है, एजुकेशन के ऊपर टीचर की सैलरी हो सकती है, हाउसकीपिंग हो सकता है, स्कूल के खर्चे हो सकते हैं, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं एजुकेशन के ऊपर, वो सारे खर्चे एक साथ ला करके फिगर एक दिखाना है। उसी तरह अगर आप हॉस्पिटल भी चला रहे हैं वो मेडिकल के ऊपर खर्च हो रहा है तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर की सैलरी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरी हो सकती है, वो सारे सैलरी को यानी जो स्कूल के जो सैलरी हैं उसको अलग करना है, हॉस्पिटल के जो सैलरी है उसको अलग करना है और एक जगह दिखाना है ऑब्जेक्ट वाइज आप, है ना। तो अब उसको भी फिर बाइफर्केट करना है, कितने इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपने खर्च किए और कितने नॉन इलेक्ट्रॉनिक मोड में खर्च किए, ये भी दिखाना है। और कुछ ऐसे अब खर्चे जो आप ऑब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको यहाँ पे मिक्स्ड एप्लीकेशन, देखिए नीचे लिखा हुआ है मिक्स्ड एप्लीकेशन, तो मान लो हेड ऑफिस का कोई खर्चा है तो वो खर्चा आप मिक्स्ड एप्लीकेशन में यहाँ पे दिखाएंगे। अब देखिए डिटेल ऑफ एप्लीकेशन इन एक्सेस ऑफ 50 लाख टू एनी पर्सन, अगर आपने किसी व्यक्ति को 50 लाख से ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे किया है उससे रिलेटेड ये जानकारी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो उसका नेम, पेन नंबर, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, मोड ऑफ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक या नॉन इलेक्ट्रॉनिक और वेदर टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड और नॉट, टीडीएस उस पर आपने डिडक्ट किया है कि नहीं, अगर किया है तो किस सेक्शन में किया है। लास्ट टू लास्ट ईयर एक प्रोविजन आया था, अमाउंट विच वॉज नॉट एक्चुअली पेड, ये प्रोविजन आया था कि आपको उसी का एप्लीकेशन मिलेगा जिसको आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्चुअली पे किया है। तो बहुत लोगों ने ये सोच लिया था कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करने की बात नहीं कर रही थी, करी गई थी वहां पे, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि जो आपके एप्लीकेशन है हम सिर्फ वही एप्लीकेशन आपको देंगे जो आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे कर दिया है, जो आपके पेबल हैं वो जब अगले साल पे कर दोगे तो अगले साल एप्लीकेशन लेंगे। तो ये इनकम के बारे में अब इन्होंने कुछ नहीं बोला, इनकम जो रिसीवेबल है उसको भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का इनकम ही आपको लेना है, वो कैश बेसिस पे नहीं है, तो इन्होंने सिर्फ पेमेंट की बात करी थी अमाउंट। और उसके बाद देखिए इन्होंने बोला है अमाउंट एक्चुअली पेड विच अक्रूड ड्यूरिंग एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर बट नॉट क्लेम्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन द अर्लियर प्रीवियस ईयर, उन्होंने वही बोला है कि इस साल आपने जो पे कर दिया है वो ले लो,
जो पेबल है वो अगले साल पे कर देना, जो अगले साल पे हो जाएगा उसको अगले साल आपको मिल जाएगा, वही पॉइंट नंबर 31 में उन्होंने बताया, जो एक्चुअली पे कर दिया है अगले साल में और जिसका क्लेम आपने नहीं लिया था वो इस साल में आप क्लेम ले सकते हो। नेक्स्ट बायफर्केशन ऑफ एप्लीकेशन, उसमें आपको बायफर्केट अगेन करना होगा, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने किया है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखिए ट्रस्ट के केस में एप्लीकेशन कैपिटल और रेवेन्यू दोनों का मिल जाता है इनको 85% के कैलकुलेशन में, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि इसके अकाउंटिंग कैसे हो, अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही होना है। जो आपके कंपटीशन सीट बनेंगे वहां पे 85% का कैलकुलेशन होगा और वहां पे आपको रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो दिखाना पड़ेगा और कौन सा एक्सपेंडिचर आपने पे किया है कौन नहीं किया है ये भी आपको वहीं पे कंपटीशन सीट में ही बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट अमाउंट डिपॉजिट बैक टू कॉर्पस, पहले प्रोविजन ये था कि प्रोविजन अभी भी ये है कि कॉर्पस डोनेशन जो होता है उसको सेक्शन 11(1)(d) में इन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, 85% के कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है। बट ट्रस्ट पहले क्या कर रहे थे कि कॉर्पस डोनेशन जो आया उसको 85% के कैलकुलेशन में नहीं लिया, एग्जेम्प्शन क्लेम कर लिया, बट जब उस कॉर्पस डोनेशन को जब वो खर्च करते थे उसके पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो उस खर्चे को वो जिस साल में खर्च करते थे यहाँ पे 85% के कैलकुलेशन में उसको दोबारा से वो शो कर देते थे, इस तरह से उनको डबल बेनिफिट मिल जाता था। तो लॉ ने ये बोला कि आप जो कॉर्पस डोनेशन जिसको ट्रीट किया है उसकी जो अकाउंटिंग है बुक्स ऑफ अकाउंट आपको अलग से मेंटेन करनी पड़ेगी, अलग से उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कीजिए अलग से, जो कॉर्पस डोनेशन के जो खर्चे हुए हैं वो वहीं पे आप दिखाइए उसी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको नॉर्मल कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है, है ना, तो अलग से मेंटेन करना है उसको। अब सिचुएशन ये आया कि मान लो फंड नहीं है बस काम करना है, हमारे पास कॉर्पस में पैसे पड़े हुए हैं तो कॉर्पस के पैसे को यूज कर सकते हैं कि नहीं, लॉ ने बोला कि यूज कर लेना कोई बात नहीं, कॉर्पस के पैसे को नॉर्मल खर्चे के लिए यूज कर लेना, बट अगले सालों में उस पैसे को वापस कॉर्पस में डालना है, कॉर्पस डोनेशन का जो अकाउंट है उसमें डालना है, क्योंकि वो उसी पर्पस के लिए खर्च होगा जैसा डोनर ने बोला हुआ है कॉर्पस डोनेशन के केस में, तो आपको अमाउंट डिपॉजिट बैक टू कॉर्पस करना है और जिस साल आप कॉर्पस से पैसे निकाल के खर्च करोगे उस साल आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, बट जिस साल आप उसको डिपॉजिट बैक टू कॉर्पस करेंगे उस साल आपको उसका एप्लीकेशन हम वापस आपको दे देंगे। एक लॉ उस पिछले साल और ये आ गया इससे रिलेटेड कि ये जो कॉर्पस डोनेशन के जो पैसे हैं डिपॉजिट बैक जो आपको करने हैं वो विद इन 5 ईयर ही करने हैं, तो 5 साल के अंदर ही डिपॉजिट बैक करना है, ऐसा नहीं कि कॉर्पस का पैसे यूज कर लिए और डिपॉजिट बैक उसमें किया ही नहीं तो डोनर ने जो बोला था वो उसका काम तो होगा ही नहीं, वहां पे पैसे नहीं रहेंगे, तो आपको 5 साल के अंदर अंदर आपको डिपॉजिट बैक करना है। अगर आपने 6वें साल में डिपॉजिट बैक किया तो डिपॉजिट बैक तो करना ही पड़ेगा आपको आज न कल, बट उसके एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेंगे। उसी तरह रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर लोन लेते हैं तो वो आपका इनकम है नहीं तो जिस साल आप लोन लेके खर्च करते हैं उस साल आपको एप्लीकेशन नहीं मिलता है, बट लोन का जब रीपेमेंट आप करते हैं तो आपको रीपेमेंट के टाइम पे उस लोन का एप्लीकेशन आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो लॉ में जो अमेंडमेंट है वो ये है कि रीपेमेंट ऑफ लोन आपको विद इन 5 ईयर ही करने हैं, अगर विद इन 5 ईयर आपने लोन का रीपेमेंट किया तभी आपको एप्लीकेशन मिलेगा, आप 6वें साल के बाद से जो रीपेमेंट करेंगे उसका एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ज्यादा हार्डशिप है बट लॉ में है ऐसा ही। नेक्स्ट सर हमारे पास टाइम है ना, अभी 6:30 हुआ है। हाँ भाई साहब प्लीज कंटिन्यू सर। यस सर, अमाउंट टू बी डिसअलाउड फ्रॉम द एप्लीकेशन, इस अमाउंट को डिसअलाउ ये सब करेंगे, अमाउंट डिसअलाउ अंडर सेक्शन 40 टीडीएस नॉट डिडक्टेड,
एज पर इनकम टैक्स। आपने ऐसा कोई पेमेंट किया जहां पे टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी था एज पर रूल, आपने डिडक्ट नहीं किया तो उसका 30% आपका डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ हो जाएगा मतलब 85% के कैलकुलेशन में से आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट, अमाउंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 40A, कैश पेमेंट आपने 10,000 से ज्यादा कर दिया तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। पर्पस डोनेशन टू अदर इंस्टीट्यूशन, मैंने अभी आपको बताया था कि डोनेशन के संबंध में आप दूसरे इंस्टीट्यूशन को कॉर्पोरेट डोनेशन नहीं दे सकते। डोनेशन मेड टू अदर इंस्टीट्यूशन नॉट हैविंग सेम ऑब्जेक्ट, मैंने बोला कि सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले इंस्टीट्यूशन को ही डोनेशन देना है जो रजिस्टर्ड है पेलवे में, पेलवे में रजिस्टर्ड भी है और सेम ऑब्जेक्ट वाला है उसी को डोनेशन दे सकते हैं, नहीं तो आपका डिसअलाउ हो जाए। डोनेशन टू एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड, मैंने बोला कि रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन को ही डोनेशन दे सकते हैं जो इनकम टैक्स में 12A में रजिस्टर्ड है उन्हीं को दे सकते, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको नहीं दे सकते। अब देखिए, एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया विदाउट अप्रूवल, अगर आपने सीबीडीटी के बिना अप्रूवल का आउटसाइड इंडिया खर्चे कर दिए तो आपको यहाँ पे उसका डिडक्शन आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। इनकम एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया विद अप्रूवल, अगर आपने विद अप्रूवल भी आउटसाइड इंडिया खर्च किया उसका भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग में मैं तो बताया था कि जो आप सीबीडीटी से अप्रूवल लेकर के आउटसाइड इंडिया खर्च कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला आउटसाइड इंडिया आपने अप्लाई किया विदाउट विद अप्रूवल तब भी यहाँ आपको डिसअलाउ हो जाएगा एप्लीकेशन, तो ये क्या है कॉन्ट्राडिक्शन? कोई इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे? नहीं, वो इसलिए है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो भी आपका टोटल इनकम है उसके जो टोटल एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में से जो आपने टोटल इनकम में से जो आपने विद अप्रूवल जो आउटसाइड इंडिया खर्च करते हैं वो माइनस होगा, और माइनस होने के बाद आपका 85% कैलकुलेशन 85% एप्लीकेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे उन्होंने 85% से बाहर उसको पहले ही निकाल दिया है, इसीलिए यहाँ पे दोबारा उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया विदाउट अप्रूवल और एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया विद अप्रूवल दोनों यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएंगे, क्योंकि इसको विद अप्रूवल वाले को उन्होंने पहले ही बाहर निकाल दिया। अमाउंट टू बी डिसअलाउड फ्रॉम एप्लीकेशन कंटिन्यू अप्लाइड फॉर एनी पर्पस बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, मैंने बोला था कि आप किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले इंस्टीट्यूशन को एक तो डोनेशन दे सकते हैं, दूसरा जिस सब्जेक्ट में आप रजिस्टर्ड हैं उसी में खर्च कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हैं ओनली एजुकेशन में और पैसे खर्च कर रहे हैं किसी दूसरे सोशल ऑब्जेक्ट में तब भी आपका डिसअलाउ हो जाए, एजुकेशन पे ही खर्च करना है। एनी अदर डिसअलाउंस, एनी अदर डिसअलाउंस जो ऑडिटर को लगे कि डिसअलाउ हो जाना चाहिए वो डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल अलाउएबल एप्लीकेशन ये आ गया कैलकुलेशन में, अमाउंट डीम टू हैव बीन अप्लाइड अंडर सेक्शन 11(1) क्लॉज 2 फॉर्म 9A, ये क्या है फॉर्म 9A? इसमें ये केस है कि अगर आपको अकाउंटिंग तो एक्रूवल बेसिस पे करना है तो जो रिसीवेबल इनकम है उसको भी आपको इनकम बनाना पड़ेगा, तो ऐसा कोई इनकम जो रिसीव नहीं हुआ, मान लो कि FDR था बैंक में इंस्टीट्यूशन का और उस पर 5,00,000 रुपये का इंटरेस्ट एक्रू हो गया, और इंटरेस्ट कब रिसीव होगा जब FDR मैच्योर हो जाएगा, हो सकता है 2 साल 3 साल 5 साल बाद मैच्योर हो वो, लेकिन इनकम एक्रू हो गया, इंटरेस्ट एक्रू हो गया तो उसे हमें लेना है इनकम में। अब वो 5,00,000 का अमाउंट था और वो रिसीव हुआ ही नहीं तो कैसे खर्च होते 85%, 85% उस 5,00,000 की वजह से 85% नहीं खर्च हो पा रहे हैं जो रिसीवेबल है। तो उन्होंने बोला आपने इनकम में तो ले लिया और वो रिसीव नहीं हुआ तो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा करो कि वो एक फॉर्म 9A फाइल कर दो, फॉर्म 9A फाइल करो विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR। पिछले साल प्रोविजन आ गया था कि फाइलिंग ऑफ ITR के 2 महीने पहले तक फाइल कर देना इसे, यानी 31 अगस्त जो बीत चुका है,
तो 31 अगस्त तक फाइल करने की बात लॉ कर रहा है इसमें। बट पिछले साल एक सर्कुलर आया था, उसमें उन्होंने बोला कि लॉ का इसको फाइल करने की जो डेट है वो तो 31 अगस्त ही है, बट अगर कोई एसएससी 31 अगस्त तक फाइल नहीं कर सकता है बट वो विद इन द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइल कर देता है, तो डिपार्टमेंट उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे। तो सर्कुलर आ गया तो डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है। तो डिपार्टमेंट, अगर आपने इसको अभी तक फाइल नहीं किया है, अब फाइल करते हैं, आईटीआर के डेट तक फाइल करते हैं, तो डिपार्टमेंट इसको डिसअलाउ नहीं करेगा ड्यू टू दैट सर्कुलर। उसी तरह एक्युमुलेशन अंडर सेक्शन 11(2) फॉर्म नंबर 10 फाइल करना है। लॉ ने बोला कि 85% आपको खर्च करने हैं, अप्लाई करने हैं, बट किसी कारणवश 85% अप्लाई नहीं हो पाया, जेन्युइनली 80% ही अप्लाई हो पाया। तो वो जो 5% का जो शॉर्ट एप्लीकेशन है उसके लिए लॉ ने बोला कि आप कोई बात नहीं, आप फॉर्म नंबर 10 फाइल कर दो, और 10 फाइल करने के बाद आपको 5 साल के लिए हम आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे, और वो 5 साल आप ही को चूज करना है ना। 5 साल तक मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं, अगले 5 सालों में खर्च करने का हम ऑप्शन आपको दे देंगे। लेकिन वो फॉर्म नंबर 10 जो फाइल करेंगे उसमें आपको पर्पस बताना पड़ेगा, स्पेसिफिक पर्पस बताना पड़ेगा कि आप इस पैसे को अगले 5 सालों में किस पर्पस के लिए खर्च करेंगे ये बता दो। तो आपको पर्पस आपको स्पेसिफिक वहां पे लिखना पड़ेगा, और कितना कम खर्चे हुए हैं उसका पूरी जानकारी देके फॉर्म नंबर 10 फाइल करनी। अमाउंट सेट अपार्ट डू नॉट एक्सीड 15%। मान लो 85% खर्च नहीं हो पाए, उससे कम खर्च हुए और आपने फॉर्म 10 फाइल नहीं किया था, तो जो एक्सीड 15% से जो ज्यादा का जो अमाउंट है फॉर्म 10 फाइल नहीं किया, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा और उस पर टैक्स लग जाएंगे। टैक्स कैसे लगेंगे वो आगे के स्लाइड में बताता हूँ। नेक्स्ट, ये जो सेक्शन है इसके बाद सर तीन चार स्लाइड तीन तीन स्लाइड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा कंक्लूड हो जाएगा। सेक्शन 115 BBI, ये बहुत ही खूबसूरत सेक्शन है और इसका नाम भी बहुत ही खूबसूरत है, BBI। तो ये जो सेक्शन है इसमें उन्होंने बोला कि आपके जो खर्चे हैं कुछ केसेज में उसको हम इनकम बना देंगे, खर्चे को डीम्ड इनकम मान लेंगे और उस पर 30% के हिसाब से टैक्स लगा देंगे अलग से। भले ही आपके पूरे इनकम एग्जम्प्ट हैं बट इस सिचुएशन में आपके 30% के टैक्स लग सकते हैं। तो वो क्या सिचुएशन है कि आपको फॉर्म 9A फाइल करना था, इनकम रिसीवेबल था और आपने फॉर्म 9A फाइल नहीं किया, 85% से कम हो रहा, 9A फाइल करना था नहीं किया, तो आपको जितना का नहीं किया उसका 30% के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। सेकेंड, आपको फॉर्म 10 फाइल करना था, 85% से कम थे जेनुअनली, और आपने फॉर्म 10 फाइल नहीं किया, तो आपको उस अमाउंट पे टैक्स लग जाएंगे 30% के हिसाब से अलग से। इनकम एक्युमुलेटेड अदर, अब फॉर्म 10 के संबंध में ही और तीन चार प्रोविजन उन्होंने बताया। इनकम एक्युमुलेटेड अदर देन चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, मान लो आपने 10 फॉर्म 10 फाइल कर दिया था बट जो आपने एक्युमुलेट किया इनकम वो अदर देन चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, जो भी केस था आपका वो आपने एक्युमुलेट किया, मतलब सोसाइटी के ऑब्जेक्ट के लिए ही, मान लो एजुकेशन है तो एजुकेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट के लिए ही आपको उसे वो करना है। मुझे एक मिनट देना। बैटरी लो हो गई कंप्यूटर। यस, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है उसी पर्पस के लिए एक्युमुलेट करना है फॉर्म 10 में जो पैसे आप एक्युमुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इनकम सीजे टू एक्युमुलेटेड एज पर सेक्शन 11(5), जो आप फॉर्म 10 फाइल करेंगे उसमें जो पैसे आप डिम एक्युमुलेशन करने का ऑप्शन मिल रहा है
उस पैसे को आपको सेक्शन 11(5) के मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में ही रखना है, उसी मोड में रखना है। और मान लो आपने सेक्शन 11(5) के मोड में रखा, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड जो आपने सेलेक्ट किए थे 5 साल तक का, किसी भी समय पे उस मोड से आपके पैसे निकल गए, तो जिस दिन वो सीजेस्ट टू एक्युमुलेटेड एज पर सेक्शन 11(5) हो गया, उस दिन आपको उस साल में 30% के हिसाब से टैक्स लग जाएंगे। इनकम नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पस एज एक्युमुलेटेड, जो पर्पस मैंने बोला स्पेसिफिक पर्पस बताने पड़ेंगे फॉर्म 10 फाइल करते समय कि आप किस लिए पैसे आगे खर्च करोगे, और आप उसी पर्पस के लिए उसे खर्च कर सकते हो, अदर देन दैट पर्पस पर आप उसे खर्च नहीं कर सकते। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूँ। मान लो एजुकेशन का आपका सोसाइटी है, एजुकेशन कर रहे हैं, आपने बोला कि एक स्कूल की एक एक्सटेंशन बिल्डिंग बनानी है इस पैसे से, अगले 5 सालों में बना लेंगे। अब वो जो बिल्डिंग बननी थी कोई ऐसे लैंड पे बननी थी जहां पे आपके मान लो लोकल अथॉरिटी का एनओसी लेना था, और वो एनओसी आपको मिली नहीं, आपने तो डाल दिया कि बिल्डिंग बनानी है, वो एनओसी मिली नहीं, तो आपको आप बिल्डिंग बन नहीं सकती, तो आपके जो पर्पस थे वो डिफीट हो गए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आपने तो लिखा है बिल्डिंग बनानी है, तो ऐसे केस में आपको एओ को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमने जो फॉर्म 10 भरा था उस साल में, उसके पर्पस हमने ये डाले थे, वो पर्पस ही डिफीट हो गया है, अब हमें कोई दूसरा पर्पस अलाउ करें। तो एओ आपको कोई दूसरा पर्पस अलाउ करेगा आपसे पूछ के, तभी आप दूसरे पर्पस में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं तो वो 30% के हिसाब से टैक्स हो जाएगा उस साल। इनकम पेड टू एनी अदर एनपीओ फ्रॉम एक्युमुलेटेड, जो आपने फॉर्म 10 फाइल करके एक्युमुलेट किया था, कई बार ये क्वेरी आता है कि सर वो 5वां साल इस साल है और वो पैसे खर्च नहीं हो पाए फॉर्म 10 वाला, तो उसको किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर दें क्या? तो डोनेट आप नहीं कर सकते उस पैसे को, जो पर्पस आपने लिखा है फॉर्म 10 में उसी पर्पस इन हाउस ही उसे खर्च करना है, डोनेशन नहीं दे सकते। और आप फॉर्म 10 में ये नहीं लिख सकते किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर दूंगा, ये भी नहीं लिख सकते, आप अपना जो पर्पस है उसी सर, पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्सीड पेमेंट एज पर सेक्शन 11(1)(c) ये है कि जो आपके रिलेटेड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन, सेक्शन 13(1) में इन्होंने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए बोला है, स्पेसिफाइड पर्सन में इन्होंने बोला है कि जो गवर्निंग बॉडी मेंबर है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं, प्लस उनके रिलेटिव, प्लस ऐसा कोई डोनर जो अभी तक लाइफ टाइम में आपके ट्रस्ट को 50,000 या उससे ज्यादा डोनेशन दिया हुआ है, ये सारे स्पेसिफाइड पर्सन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर अगर स्पेसिफाइड पर्सन के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप, तो वो ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ प्राइस बेसिस पे होनी चाहिए, मार्केट रेट पे वो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अगर कहीं से भी ये प्रूफ हो रहा है कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसमें अननेसेसरी स्पेसिफाइड पर्सन को एक्सेस पेमेंट किया गया है या एक्सेस बेनिफिट दिया गया है, तो जो भी एक्सेस बेनिफिट आपने दिया है उसके ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स लगा दी, तो आर्म लेंथ प्राइस बेसिस पे ही आप स्पेसिफाइड पर्सन के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नॉट मेड अंडर सेक्शन 11(5), देखिए जो फॉर्म 10 फाइल किया उसमें हमने बताया कि आपको 11(5) के मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में ही उस पैसे को रखनी है, इसके अलावा ट्रस्ट का कोई भी पैसा है वो आपको सेक्शन 11(5) के मोड में ही रखना है, चाहे वो 15% का नॉर्मल एक्युमुलेशन वाला पैसा हो, चाहे वो कॉर्पस डोनेशन का पैसा हो, चाहे वो फॉर्म 10 फाइल करके जो एक्युमुलेट किया वो वाले पैसे हो, आप किसी भी पैसे को सेक्शन 11(5) के मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में ही रखना है। तो आपने सेक्शन 11(5) के मोड में नहीं रखा किसी पैसे को, तो जो पैसा है वो 30% के हिसाब से टैक्स हो गया। इनकम एक्सेस ऑफ 15%, अगर 15% तक नॉर्मल एक्युमुलेशन है
उससे ज्यादा आपने एक्युमुलेट कर लिया और कोई फॉर्म 10 या फॉर्म 9 ने फाइल नहीं किया, उस पैसे पे आपको 30% के हिसाब से, वहां पीछे के स्लाइड में बताया कि वो डिसअलाउ भी हो जाएंगे, ये देखिए 31 में यहाँ पे वो डिसअलाउ भी हो जाएंगे और उसके ऊपर 30% के हिसाब से नेक्स्ट यहाँ टैक्स भी लग जाएंगे इस सेक्शन में, है ना। अप्लीकेशन ऑफ इनकम आउट ऑफ इंडिया विदाउट परमिशन, अगर आप आउट ऑफ इंडिया विदाउट परमिशन सीबीडीटी से बिना परमिशन लिए आपने अप्लाई कर दिया तो 30% के हिसाब से टैक्स ले जाएगा। अब पिछले स्लाइड में देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि वो डिसअलाउ भी हो जाएंगे, डिसअलाउ भी होंगे प्लस 30% के हिसाब से टैक्स भी लगेंगे उस पे, उसके ऊपर। एनोनिमस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन का प्रोविजन अलग है ही, 115 BBC, उसके ऊपर आपको टैक्स लग जाएंगे 1 लाख या 5% ऑफ टोटल डोनेशन विच एवर इज हायर, उतना पे एग्जम्पशन मिल जाएगा, बाकी पे टैक्स लग जाएगा 30%। कैपिटल एसेस्ट, डिटेल ऑफ कैपिटल एसेस्ट का ये शेड्यूल है। कैपिटल एसेस्ट के संबंध में यही है कि देखिए यहाँ पे कोई कैपिटल गेन का कोई प्रोविजन है नहीं, अगर कोई कैपिटल एसेस्ट आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्रांसफर किया है तो उससे होने वाले जो जो कंसिडरेशन है, उसके जो सेल कंसिडरेशन है वो आपके नॉर्मल इनकम है, इस पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कोई इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तो जब आपने उसे परचेज किया होगा तो आपने एप्लीकेशन तो ले ही लिया होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मिलेगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मिलेगा तो इंडेक्सेशन का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है ना। तो आपके जो सेल कंसिडरेशन वही आपके इनकम है, अगर सेल कंसिडरेशन मान लो 5 करोड़ रुपए है और आपने कोई 4 करोड़ का कोई एसेट ले लिया तो वो आपका एप्लीकेशन हो गया, और 1 करोड़ जो बच गया वो नॉर्मल बकेट में चला गया, और नॉर्मल बकेट में जो गया उसका 85% आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। डिटेल ऑफ पेमेंट एक्सीड 50 लाख, ये मैंने पहले डिस्कस किया था, ये अलग से एक शेड्यूल दिया है उसमें डिटेल ये भरना है आपने। ये देखिए ये बहुत ही वेलकम अमेंडमेंट आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, सेक्शन 13(10) रिटर्न नॉट फाइल विद इन टाइम पीरियड। इसमें तीन सिचुएशन आप देख सकते हैं, तीन सिचुएशन, ये तीन सिचुएशन में ये वाला सेक्शन आपके ऊपर लागू होगा। एक जो हमने डिस्कस किया था जीपीयू, जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और वहां पे हमने बोला कि अगर 20% से ज्यादा अगर कोई ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस वाली एक्टिविटी है और उससे होने वाले जो रिसीट हैं वो 20% से ज्यादा हो जाता है टोटल रिसीट का, तो आपका उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में पूरे के पूरे जो इंस्टीट्यूशन है उसका एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा और पूरे पे टैक्स लगा दिया जाएगा। तो पूरे पे जो टैक्स लगेगा उस साल वो सेक्शन 13(10) के हिसाब से लगेगा। सेक्शन 13(10) क्या कर रहा है अभी हम लोग समझते हैं, एक तो वो सिचुएशन हो गई। दूसरा, अगर 12A में रजिस्टर्ड हैं तो आपको ITR विद इन ड्यू डेट ही फाइल करना है, आपने विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं किया, पहले AO क्या करते थे कि पूरा का पूरा जो है एप्लीकेशन को डिसअलाउ करके और ग्रॉस रिसीट पे टैक्स लगा देते थे, अब क्या होगा वो ग्रॉस रिसीट पे टैक्स नहीं लगेगा, सेक्शन 13(10) के हिसाब से टैक्स लगेगा। तीसरा, ऑडिट रिपोर्ट जो फॉर्म 10B या 10BB फाइल करेंगे वो भी विद इन ड्यू डेट फाइल करना है 30 सितंबर से पहले, अगर फाइल नहीं किया तो ग्रॉस रिसीट पे टैक्स लग जाएगा, और वो लगा देते थे पहले, अब वो सेक्शन 13(10) के हिसाब से टैक्स लगा पाएंगे। तो सेक्शन 13(10) क्या कह रहा है ये देखते हैं, ये तीन सिचुएशन में आपको सेक्शन 13(10) लगेगी। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो आपने नॉर्मल प्रोविजन में इनकम को आपने वो किया रिकॉग्नाइज किया, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर और टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंडिया फॉर द ऑब्जेक्ट, जो नॉर्मल प्रोविजन में आप सेक्शन 11(12) का जो प्रोविजन है उसको ध्यान में रखते हुए टोटल एप्लीकेशन या एक्सपेंडिचर जो आपने इंडिया में किया वो इनकम ले लीजिए, एक्सपेंडिचर ले लीजिए, और उस एक्सपेंडिचर में से ये कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दीजिए, एक्सपेंडिचर टू बी डिसअलाउ,
एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉर्पस, अगर आपने कॉर्पस से कोई एक्सपेंडिचर किया है वो आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, वो नॉर्मल सिचुएशन में भी माइनस होते थे यहाँ भी होंगे। एक्सपेंडिचर फ्रॉम लोन ऑन बोरोइंग, वो नॉर्मल सिचुएशन में भी एक्सपेंडिचर नहीं ले सकते थे, यहाँ भी नहीं लेंगे। एक्सपेंडिचर फ्रॉम ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के केस में दो चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए मैंने बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों एप्लीकेशन का पार्ट बनेंगे 85% के कैलकुलेशन में, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो उसका एप्लीकेशन आप अपने ऑप्शन पे ले सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर छोड़ दें, चाहें तो उसको एप्लीकेशन का पार्ट बनाने कंप्यूटेशन सीट में है, 85% के कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन का पार्ट बना दें। तो दोनों सिचुएशन ले, आप पार्ट नहीं बनाए या पार्ट एप्लीकेशन का बना। तो जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने एप्लीकेशन का पार्ट बनाया उस पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा खर्चे में एप्लीकेशन में, बट जिसको आपने कैपिटलाइज ही छोड़ दिया था, एप्लीकेशन का पार्ट नहीं बनाया, उसका डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं ओवर द पीरियड, है ना। तो यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन है वो उस डेप्रिसिएशन को हटाने की बात कर रहे हैं जो जिस कैपिटल एसेट पे आपने डेप्रिसिएशन को एप्लीकेशन का पार्ट बनाया था उसके डेप्रेशन को हटा दीजिए, जिसको एप्लीकेशन का पार्ट नहीं बना था उसका उसको हटाने की जरूरत नहीं है। डोनेशन टू एनी पर्सन, नॉर्मल सिचुएशन में डोनेशन अलाउ था 85% तक, बट यहाँ पे डोनेशन अगर आपने किया है तो वो अलाउ नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मल सिचुएशन में अलाउ था, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को हटा दीजिए। टीडीएस का प्रोविजन, अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट करना था तो 30% वहां भी डिसअलाउ था, यहां भी डिसअलाउ है। कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा वहां भी डिसअलाउ था, यहां भी डिसअलाउ है। एनी अदर डिसअलाउंस जो ऑडिटर को लगे, तो ये सारे चीज अपने एप्लीकेशन में से माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो पैसे जो सरप्लस आते हैं उस पे आपको टैक्स लग जाएंगे एज ए एओपी, एओपी की तरह आप ट्रीट किए जाएंगे और आपको टैक्स लग जाएंगे और उसमें आपको बेसिक एग्जम्पशन और स्लैब का बेनिफिट मिलेंगे एज ए इंडिविजुअल टैक्स होंगे, है ना। तो इस तरह से ये एक वेलकम आ गया, इसमें ग्रॉस रिसीट पे टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे मैक्सिमम जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको माइनस करने के बाद जो सरप्लस बच रहा है उस पर टैक्स लगेंगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिलीजियस पर्पस, मैंने बोला कि दो तरीके के ट्रस्ट है इंडिया में, एक तो 12A4 रिलीजियस पर्पस, 12A4 चैरिटेबल पर्पस। बट अब सिचुएशन देखिए, एक चैरिटेबल पर्पस है बट वहां पे वो कुछ एक मंदिर भी चला रहे हैं, मान लो एक स्कूल हो, स्कूल या बड़े कोई ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे अंदर में उनके एक मंदिर भी होता है कई जगहों पे, एक रिलीजियस होता है एक्टिविटी हो रहा होता है, तो उस रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड जो खर्चे हैं उस पे लॉ कहता है कि अगर ऐसा कोई है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है बट कुछ रिलीजियस भी कर रहे हैं तो रिलीजियस आपका जो टोटल इनकम है उसका मैक्सिमम 5% तक ही रिलीजियस एक्टिविटी में आप खर्च कर सकते हैं, समाज के जो ताना बाना उसके हिसाब से अगर जरूरत है तो आपको 5% तक ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो टोटल इनकम का 5% तक आप रिलीजियस नेचर पे खर्च कर सकते हैं, और अगर आपको 5% से ज्यादा रिलीजियस पे खर्च कर दिया तो आपके अगर 80G आपके पास है तो वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो आपको बड़े ध्यान से चीजों को देखना है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिलीजियस नेचर, रिलीजियस नेचर का अमाउंट कितना आपने अप्लाई किया है, इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टोटल इनकम कितना था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर रिलीजियस नेचर का क्या परसेंटेज है, तो ये 5% से कम ही होना चाहिए हमेशा, ज्यादा हो गया तो आपका 80G आपका कैंसिल कर देंगे। ये एक बहुत जरूरी है, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी पिछले बार, इस बार भी होगी शायद, तो इसको मैं क्लेरिफाई कर देता हूं, बस ये लास्ट स्लाइड है। पर्सन रेफर टू
सेक्शन 13(3) स्पेसिफाइड पर्सन की बात कर रहे हैं ये, डिटेल ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 13(3). ये स्पेसिफाइड पर्सन के डिटेल को मांग रहे हैं। तो स्पेसिफाइड पर्सन में मैंने आपको बताया था जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर हैं, मैनेजर हैं, एमडी हैं, संस्था के सीएफओ हैं, वो तो स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं, प्लस इनके रिलेटिव, प्लस वैसे डोनर जिन्होंने 50% से ज्यादा डोनेट किया था ड्यूरिंग लाइफ टाइम उस संस्था को, तो ये सारे स्पेसिफाइड पर्सन कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इन सब का डिटेल ये मांग रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये दो चीजें आ गई, एक तो चलो हम मैनेजमेंट में जो बंदे हैं उनके तो डिटेल यहाँ भर देंगे, उनके फैमिली मेंबर की डिटेल भरने की क्या जरूरत है। दूसरा, जो डोनर्स हैं जिन्होंने 50,000 से ज्यादा डोनेशन किया था ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो वैसे डोनर तो मान लो हो सकता है हजारों में है किसी किसी संस्था के पास, तो हजार हजार डोनर का डिटेल यहाँ पे हम कैसे भर पाएंगे, है ना, तो वो तो बहुत ही अननेसेसरी हो गया। तो उन्होंने पिछले बार एक सर्कुलर लेके आए थे और उन्होंने बोला था कि स्पेसिफाइड पर्सन के केस में आप उसी का डिटेल भरिए जिन्होंने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50,000 से ज्यादा दिया था, ड्यूरिंग लाइफ टाइम नहीं, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50,000 से ज्यादा दिया था उनकी डिटेल भरिए। तो कई सारे संस्था के केस में तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही 50,000 या उससे ज्यादा वाले 500 लोग थे, आप 500 लोगों का डिटेल कहाँ से भरेंगे, है ना। तो ये एक सिचुएशन आया, तो इसमें क्लैरिफिकेशन ये है हमारी तरफ से कि आप उस स्पेसिफाइड पर्सन के डिटेल यहाँ पे भरें जिसके साथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर संस्था का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो मैनेजिंग बॉडी है उनके डिटेल सबके सबके तो जाएंगे जाएंगे, बट जो उनके फैमिली हैं वो भी स्पेसिफाइड पर्सन के कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके डिटेल आप तभी दें जब उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ है संस्था का, अगर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो डिटेल देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जो डोनर्स हैं 50,000 से ज्यादा वाले उनके भी डिटेल तभी दें जब उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हुआ है ना, और नहीं हुआ तो देने की जरूरत नहीं है। ये स्पेसिफाइड पर्सन के साथ क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, कैसे उनको बेनिफिट पहुंचाए जा सकते हैं, ये एक उदाहरण है, इसको आप देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा। और बस ये हमारा लास्ट स्लाइड है, और इसके बाद जो है जो हमने कॉर्पोर मान लो जैसे कॉर्पोर डोनेशन के बारे में डिस्कस किया तो उसके ये डिटेल यहाँ पे भरने हैं, तो ये आप खुद ही भर लेंगे। जितनी भी चीज हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है उसका डिटेल बस आगे आने वाले शेड्यूल में भरे जाएंगे। तो हमारा टेक्निकल यहाँ पे समाप्त होता है, आप सबों से आग्रह है कि कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मुकेश जी, ये स्पेसिफाइड पर्सन के केस में अगर मेरे पास लिस्ट होगी तभी मैं ये दे सकता हूँ कि मैंने उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन की है या नहीं की, अगर मेरे पास लिस्ट ही नहीं है तो मैं कैसे सर्टिफाई करूंगा जी कि उनके साथ मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? यहाँ पे सर जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की बात कर रहे हैं रूल 17 में, वहां पे स्पेसिफाइड पर्सन जो हैं उनके बारे में भी डिटेल आपको मेंटेन करना है, यहाँ पे मैं साथ लिख नहीं पाया हूँ जी सर। और ये देखो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन वाले जो लोग हैं, यहाँ पे देखिए वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम उसके बाद वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, तो जो डोनर्स का तो आपको मेंटेन करना ही करना है, स्पेसिफाइड पर्सन का भी डिटेल आपको मेंटेन यहाँ पे करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये मैंडेटरी है, करना ही करना है, तभी आप अवॉइड कर सकते हैं कि उसके पर्टिकुलर्स आप ना दें कि ट्रांजैक्शन कोई नहीं हुई है ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में हुआ है। देखिए जो जो गवर्निंग बॉडी मेंबर है उनके डिटेल तो डालने ही डालने हैं, मैनेजर के डिटेल डालने हैं, एमडी के डिटेल डालने हैं, प्रिंसिपल के डिटेल डालने हैं, बट उनके फैमिली के डिटेल तभी डालें जब उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बट लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, लिस्ट भी मेंटेन करने की जब फैमिली का लिस्ट क्यों मेंटेन करने जाए हम जी, है ना, लेकिन जो डोनर्स हैं उनके लिस्ट तो आपको मेंटेन करना है, रूल 17 बता रहा है, और उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तब डिटेल डाल, है ना।
तो थैंक यू सो मच। और कोई क्वेरी है तो बता सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ अपना नंबर। ये नंबर ले करके कभी भी आपको ज़रूरत हो किसी भी क्वेरी का तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी कॉल भी कर सकते हैं। कॉल में बहुत कम उठा पाता हूँ, लेकिन जवाब ज़रूर दे देता हूँ बाद में कॉल करके या व्हाट्सएप पे। तो कोई भी अनअटेंडेंट नहीं रहेगा। दो मेंबर्स ने भाई साहब फोन उठाए हैं, वो हैंड रेज किए हैं। गोपाल गुप्ता जी आप बात कीजिएगा, बोलिए अपनी क्वेरीज। सर मेरी क्वेरी जो है कि हाँ हमने इस साल जो इनकम की वो इनकम थी, हमने एक्सपेंसेस किए वो हमारे पास उसमें ले लिए जी, उसके अंदर यूटिलाइजेशन में। लास्ट ईयर हमने लोन लिया था, वो लोन हमने इस साल चुकाया, तो हाँ लोन जो चुकाया वो और एक्सपेंसेस जो इनकर्ड किए वो हाँ दोनों हमारे एप्लीकेशन है। ज्यादा हो गए। क्यों हाँ ज्यादा हो गए? ने जो पेमेंट किया वो हमारी पिछले साल की या इस साल की जो 15% वाली जो इनकम बच गई थी वो उसमें से किया था। तो जब रिटर्न फॉर्म में फॉर्म 10B में हम फॉर्म भरते हैं तो उसका जो पॉइंट नंबर आप देखेंगे तो सर वहां पर इसको ये नेगेटिव आ जाता है पॉइंट नंबर 24 पे, मतलब टैक्सेबल इनकम नेगेटिव बोल जाता है उसकी वजह से। अब सर ये नेगेटिव हो जाता है तो क्या ये नेगेटिव होने से कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? एक बात, सर दूसरा ये वहीं मुझे पे मानना है कि सर इसका मुझे सोर्स बताना चाहिए। तो सर यस अगर यस मैं सोर्स अगर इसमें नीचे पॉइंट्स में डालता हूँ, पॉइंट नंबर 27 में दे रखा है इन्होंने, तो एक्चुअली में सर पॉइंट नंबर 23 में इन्होंने ऊपर उस पर राइडर लगा रखा है और उसमें इन्होंने ये लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम एक्सक्लूडिंग एप्लीकेशन नॉट एलिजिबल एंड रिपोर्टेड इन सीरियल नंबर 27। तो सर मैं नीचे तो दे नहीं सकता हूँ फिर, तो इसका तो नेगेटिव ही जाएगा फिगर मेरा। तो ये डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि ये मैंने जो 9 लाख का मेरे लॉस हुआ है, जो अमाउंट लॉस हुआ वो मैंने कहाँ से बियर किया ये नहीं जी? नहीं आप जब उसमें आप इसके जो सेपरेट कॉलम है ना हाँ कि सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आपने ये पूरे 125% जो खर्च किए हैं जी उसके सोर्स ऑफ इनकम बताएं, तो आप हाँ उस पर्टिकुलर कॉलम में भर देंगे तो जो फाइनल इफेक्ट होगा ना उस पे आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं, उसका कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं मिलेगा। हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं चाहिए सर। हाँ मेरा तो पर्टिकुलर वो क्वेश्चन है कि आप सर मुझे जब समझ गए रिटर्न सर। फॉर्म हम भर रहे हैं तो नेगेटिव आपने फिगर आ रही है ना सर वो? आपने अभी थोड़ी देर पहले फोन पे भी बात की थी क्या इस विषय पे? अच्छा नहीं सर, मैं तो अभी बात कर रहा सेम सेम क्वेरी अभी किसी ने भी फोन पे सेमिनार शुरू होने से जस्ट पहले फोन किया था, जी। तो उसमें मैंने उनको यही बताया कि वो नेगेटिव फिगर आने दो, उनके स्कीमा में क्या है उसको छोड़िए। लेकिन बाद में जो उन्होंने जो लिख दिया है कि आप इसके सोर्स ऑफ इनकम बताएं कि कहाँ से ये पैसे खर्च हुए 125%, तो 100% तो वही हो गए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का इनकम, जी जी और जी 25% आप वहां से दिखाओ आपने क्या कॉर्पस से खर्च तो वो किया। कहाँ दिखाएं? वही तो नहीं मिल रहा जगह हमको, कहाँ दिखाएं वो 25? वो फॉर्म में कहाँ दिखाना है? वो आपको नहीं मिल रहा, नहीं आप सर मुझे फोटो खींच के भेजना, ठीक है आप सर, मेरा फोन नंबर ले लो, मैं आपको ले सॉल्व कर लीजिए दूंगा इसको, है ना? ठीक है ठीक सर। ओके थैंक यू थैंक है सर। यू। छाबड़ा जी आस्क योर क्वेश्चन। छाबड़ा जी प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? ट्रस्ट आ रही आ रही है, बोलो सर। है कि जी में रजिस्टर्ड है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेती, मंथली कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं लेती, ना ही कोई ड्यूरेशन कहीं देती है, सिर्फ एक छोटा सा एजुकेशन एक्सपेंडिचर करती है जिसके अंदर वो उसका मेहनत रहता है, और वो FD पड़ी उसके इंटरेस्ट में से करती है, उसका क्या स्टेटस रहेगा? देखिए सर, 25% खर्च कर देती है। मैंने मैंने अभी डिस्कस किया था ड्यूरिंग द सेमिनार कि दो तरीके के इनकम हैं। एक तो इनकम है इनकम फ्रॉम वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, और दूसरा जो नेचर होता है इनकम का, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन द ट्रस्ट। तो जो FDR है वो इनके प्रॉपर्टी है, उससे इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, तो वो इनके नॉर्मल इनकम है। उस इंटरेस्ट इनकम का 85% इनको खर्च करना ही करना है। इंटरेस्ट से कर सकते हैं ना अपना खर्च वगैरह? हाँ ठीक हाँ एकदम कर सकते हैं, वो नॉर्मल इनकम है इनका सर। है। एक और है जी, राकेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। राकेश जी हेलो। हाँ सर पूछो बताएं। सर। राकेश जी तो हाँ सर बताएं। बात हो रही थी जो है मिल्क की सेल
गोबर की सेल वगैरह दिखाने की, अगर हम उसको हम डोनेशन में ही कर देते हैं, मिल्क की पेमेंट जो आई है हमारी डोनेशन के रूप में आई है हमारी, उसमें कोई हर्ज है एक बार फिर से बताएं सर क्वेरी। सर? गौशाला के केस में हम ये कहते हैं कि मिल्क सेल नहीं कर सकते, या जो गोबर वगैरह और चीजों की सेल नहीं कर सकते, पनीर वगैरह इनकी सेल नहीं कर सकते, कर मैंने ये तो नहीं बताया, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन वो 20 उसमें आ जाए, 20% वाले उसमें आ जाएगा अगर नहीं, तो वो मैंने बोला ना उसको रिलीफ ऑफ पुअर में लेके जाओ सर, ऐसे केस की है, इनकम आई है ये। उसको रिलीफ ऑफ पुअर में लेके जाइए, उसको जीपीयू का के ऑब्जेक्ट में उसको ट्रीट ना करें आप। नहीं मुकेश जी, ये इनका ये सर कहना है, इनका ये कहना है कि जो मिल्क का प्राइस हम जो हम बेचते हैं, उस प्राइस को मिल्क की सेल ना दिखा करके उसे एज ए डोनेशन रिसीव कर लें। हाँ ये कर आपके अकाउंट अकाउंटिंग को घुमा दीजिए, क्या करना है सर ये कह रहे हैं। लेकिन सर वो डोनेशन जो रिसीव करेंगे उसमें फिर डोनर्स की आइडेंटिटी लेकिन आपको मेंशन करनी। राजेश जी, उसमें एक फ्लॉ है ना कि अगला आदमी को डिस्टेंस करता है, इनसे ज्यादा दूध देता है, तो वो तो वहां अपने वहां खर्चा डालेगा। सर मिल्क का जो अगर किसी जैसे वो करते हैं तो ये थोड़ी जरूरी है कि एक स्पेसिफाइड रेट किया हुआ है, कोई कम में भी दे ले जाता है, जो जिसकी श्रद्धा उस हिसाब से पर्ची कटवा जाता है। हाँ कर बहुत सकते हैं राकेश जी, आप कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। आपको और इसका जवाब इस प्लेटफॉर्म पे ना लो तो ठीक है, आप हाँ अंदर खाने उसमें खुशी कर दे रहे हो। उसमें देखो सर, देखिए ये आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे है। जो डोनेशन आप लेंगे उसमें डोनर्स की फिर आइडेंटिटी भी तो आपको मेंटेन करनी है, सबका पैन और एड्रेस वगैरह सबको रखना है, मतलब पूरा बुक्स आपको मेंटेन करना है उस केस में भी। वो तो मैनेजमेंट के डिसीजन पे निर्भर करता है कि हम जो जिनको दूध हम बांट रहे हैं उनसे कुछ डोनेशन भी रिसीव कर रहे हैं, तो बुक्स आप मेंटेन कीजिए उस हिसाब से। सर अमित अग्रवाल जी, आस्क योर क्वेश्चन अमित जी। यस सर। हेलो सर। सर ये सेक्शन 8 कंपनी कॉर्पस फंड ले सकती है? तो हाँ क्यों नहीं ले सकते सर, अगर वो 12A में रजिस्टर्ड है तो सर उसको फिर वो कैपिटल नहीं ट्रीट कर लेंगे, वो कंपनी है तो कहाँ कंपनी से कैपिटल? सर, अगर जैसे ही आप 12A में रजिस्टर्ड हो जाती है सेक्शन 8 कंपनी, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाती है, तो लेकिन उसमें शेयर होल्डिंग वगैरह भी है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो सोशल ही होगा ना हाँ एज पर सेक्शन टू एजुकेशन, क्लॉज 15 हाँ एजुकेशन। सर। उस जैसे वो 12A में रजिस्टर्ड हो जाता है, वो ट्रस्ट का आप उसका स्टेटस हो जाता है, कंपनी नहीं रह जाता। ओके। और सर ये जो CSR है उसमें 10BD डालना होता है या जरूरी नहीं है? 10BD डालना है सर, 10BD में जो CSR फंड है वो स्पेसिफाइड फंड के रूप में एक ऑप्शन आता है 10BD में, देखोगे उसमें डालना। सर लेकिन जैसे CSR मिला 10 लाख और हमने अभी यूटिलाइज किया 5 लाख, तो रिमेनिंग 5 लाख का फिर क्या करेंगे? रिमेनिंग जब CSR फंड को आप उसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जब CSR आपको मिलेगा ना, तो कंपनी और ट्रस्ट के बीच में एक एग्रीमेंट बनना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से वो खर्च होगा, वही उसका लॉ है। लॉ बोलता है CSR एग्रीमेंट के हिसाब से खर्च करो, तो बेसिकली तो जो उसमें लिखा 10 है कि विद इन ड्यूरिंग द ईयर ही खर्च होना है, तो विद इन ड्यूरिंग ईयर ही खर्च करना पड़ेगा। अगर नहीं खर्च हुआ तो उसमें दो चीजें हैं कि एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि अगर खर्च नहीं कर पाए तो हमें वापस कर दीजिए। ठीक है। दूसरा, एक दो तरीके के उनके फंड होते हैं CSR के, एक होते हैं नॉर्मल फंड, एक होता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया जाता है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है जो 1 साल से ज्यादा चलने वाली प्रोजेक्ट होती है, मान लो कोई कैपिटल प्रोजेक्ट है, तो उसमें वो लिखा होता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए दिया जा रहा है, राइट। उस केस में आपका 1 साल में खर्च हो गया, जो बचा वो अगले साल खर्च हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो 10BD बेसिकली फुल अमाउंट का ही होगा। हाँ 10BD तो वो तो डोनर्स का है ना, वो डोनेशन का वो है तो फुल पे ही होगा। अगर वो 3 साल के लिए भी है तो आपका जिस साल रिसीव करेंगे सर उसी साल आएगा वो, ओके। जिस साल उसको इनकम में लेंगे ना उस साल आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू राजेश जी, राजेश गर्ग जी, आश्योर क्वेश्चन।
सर कॉर्पस फंड को अकाउंटिंग पर्पस से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू यूटिलाइज दिखाएं कि डायरेक्ट दिखा सकते हैं? यार उसको तो सेक्शन 11(1)(d) ने एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो उसमें दो अप्रोच है। उसको डायरेक्ट आप लायबिलिटी साइड में कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो सर उसमें फिर 11(5) की कंडीशन कैसे? एक तरफ हमारा कॉर्पस फंड स्टैंड रहेगा, दूसरी तरफ जैसे सपोज हमारा बिल्डिंग फंड के लिए आया तो वो बिल्डिंग दिखाएगा, वो तो हमारी बैलेंस शीट में स्टैंड रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ, 11(5) की कंडीशन कैसे फुलफिल होगी सर उसमें? बता रहा हूँ। जैसे कॉर्पस को आप लायबिलिटी साइड में ले गए, कॉर्पस फंड, जी सर, उसके अगेंस्ट में बैंक में पैसे पड़े हैं, मैच हो रहे हैं। राइट सर, अब आपने बिल्डिंग खरीद लिया, वो 1 करोड़ का, मान लो 1 करोड़ कॉर्पस में था, हाँ जी हाँ बैंक जी, से निकल के बिल्डिंग में चला गया, और इधर लायबिलिटीज में कुछ नहीं बच रहा। नहीं लाइब्रेरी में तो कॉर्पस में तो स्टैंड करेगा ना सर बैलेंस शीट में तो? नहीं, वहां पे बिल्डिंग फंड आ जाएगा, एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कॉर्पस तो जीरो हो गया ना, मान लो एक ही कॉर्पस था, नहीं कॉर्पस को बिल्डिंग जीरो करके हमें बिल्डिंग फंड दिखाना पड़ेगा लाइब्रेरी साइड में, फंड मतलब बन जाएगा। यस कॉर्पस वर्ड हटा दें उसको बिल्डिंग फंड कर दें, दैट इज हाँ नॉट कॉर्पस। यस 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 लेकिन अदरवाइज तो सर सिचुएशन तो सेम ही रहेगी, वो हमारा जो फॉर्म का क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है वो फुलफिल नहीं होता 11(5) के हिसाब से, वो तो लाइबिलिटी साइड में तो हमारा जो कॉर्पस है या बिल्डिंग फंड है बोथ आर द सेम थिंग। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप जब ये इसमें जब जाओगे ना, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करोगे, आईटीआर फाइल करोगे, तो वहाँ कॉर्पस का अलग से शेड्यूल है, वहाँ पे बैलेंस अमाउंट दिखाना पड़ेंगे और वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी। तो मान लो बैलेंस अमाउंट में जीरो आ गया, कॉर्पस में कुछ पैसे हैं ही नहीं, तो वहाँ पे वो कैसे उसको मेंटेन करोगे, उस वहाँ दिक्कत आ जाएगी आपको। जी इसीलिए वो, हाँ हाँ जी हाँ तो आप एक बिल्डिंग फंड क्रिएट कर ले, जैसे वो डेप्रिसिएशन के लिए क्रिएट कर लेते ना फंड, हाँ जी हाँ उसी तरह एसेस्ट डेप्रिसिएशन ठीक ठीक जो करते हैं। ठीक है सर, चोका ठीक है लिंगम जी जी आप बात कीजिएगा, चोका लिंगम जी। सर। हाँ हाँ थैंक यू सर। सर इन तमिलनाडु एचआर एंड सी टेम्पल्स आर रनिंग देयर, द अन्नदानम ट्रस्ट आर बीइंग क्रिएटेड एंड एटीजी इज अवेलेबल, इज इट करेक्ट? नो पार्डन सर, एक बार फिर से बताएं। सर, तमिलनाडु एच आर एंड सी गवर्नमेंट रन टेम्पल्स आर देयर, इन दैट गवर्नमेंट रन टेम्पल्स एवरी डे अन्नदानम इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर विच वी हैव फाउंडेड ट्रस्ट एंड द ट्रस्ट इज गेटिंग एटीजी एग्जेम्पशन, इज इट नॉट करेक्ट? इज इट करेक्ट? नो नो, देखिए जो गवर्नमेंट जो जो रिलीजियस ट्रस्ट जो बनाती है ना, या तो जहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो ATG 2 भी मैंने डिस्कस किया था, वहां पे वो नोटिफाई करवा लेते हैं ATG में, ओके ओके तो वो एंड ATG 2 भी में नोटिफाइड होते हैं। जैसे राम मंदिर अयोध्या में ना, वो हाँ ATG 2 भी में नोटिफाइड है। इट इज ऑलरेडी अवेलेबल, इट इज एटीजी यस हैज बीन यस ऑब्टेंड एंड वी ATG आर अवेलेबल फाइलिंग वहां पे होता रिटर्न। है, लेकिन हम लोग जिस ATG की बात कर रहे होते हैं, ATG 5, हाँ वो नहीं होता, ATG 2 भी में होता है। थैंक यू। एंड वन यस मोर थिंग, लास्ट ईयर द काउंसिल, प्रीवियस काउंसिल हैज गॉन आउटसाइड इंडिया एंड ही कुड नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, कैन वी फाइल इट नाउ विद कंडोनेशन? यस कर सकते हैं। कैन बी फाइल द, यस यस या थैंक यू। एंड फॉर दिस करंट ईयर एज यूजल वी कैन फाइल दी यस यस करंट ऑडिट ईयर फॉर रिपोर्ट एज एंड फाइल यूजुअल इट इन। एंड फॉर लास्ट ईयर यू कैन फाइल हाँ विद कंडोनेशन ऑफ डिले। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू सर, सो काइंड ऑफ यू, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मुकेश भाई। थैंक और नहीं अभी सीएसआर के लिए तो मुझे लगता है टाइम नहीं बचा अपने पास, नहीं तो यू सीएसआर के लिए अब एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम वी विल कीप अनदर फुल डे और 2 आवर्स वेबिनार फॉर द सर। सीएसआर, बिकॉज यस आई डोंट थिंक सीएसआर इज मे बी कंप्लीट विद इन 5 मिनट और 10 मिनट्स। एंड यस सर, यस सर। एनीवे थैंक यू मुकेश भाई फॉर ए वंडरफुल डेलिब्रेशन ऑन क्लॉज बाई क्लॉज ऑफ फॉर्म 10B एंड 10BB, एंड होप अवर मेंबर, ऑल द मेंबर हु आर ज्वाइनिंग विद अस एंड दे विल बी बेनिफिटेड बाई योर डेलिब्रेशन एंड विल फील मोर कंफर्टेबल वेन फाइलिंग द रिटर्न और डूइंग द ऑडिट। थैंक एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।
tomorrow again we have a webinar on the at 5 p.m. on the audit trail and proforma of auditor report proforma for non-corporate SSC. So kindly join us. Thank you. Thank you very much.